अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम अदिति है पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर टू है ठीक है सी है बट जो आप लोगों की जी आर एफ एप्लीकेशन है उस पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं हिस्ट्री भी है पॉलिटी भी है आपके लिए जोग्राफी भी है आप लोगों के लिए कॉमर्स भी है आप लोगों के लिए ठीक है और आने वाले सीजन में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था हम और नए सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे धीरे धीरे थोड़ा समय दो बस धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे राइट आप लोगों के लिए एक ऑफर हम लोगों ने आज निकाला था अगर आप सभी लोगों को पता हो तो लास्ट के दस दिनों में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दस से पंद्रह दिन जो बचे हैं हमारे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी लोग जितना टेस्ट देंगे उतना बेटर होगा अब जो टेस्ट सीरीज है और जो आप लोगों की पी होती है उनके रिविजन करके फिर टेस्ट देना है फिर उनका रिविजन करना है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मुझे लगता है जो लास्ट के टाइम पे पढ़ने का होता है तो मैंने अभी वीडियो कोर्सेज बंद कर दिए हम लगभग पंद्रह दिन से कोई वीडियो कोर्स मैं सेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के एक महीने में कोई वीडियो कोर्स आपको नहीं देखते हैं ठीक है अब ये टाइम जो है वो हमारे पास में इनका है नोट्स है पेपर वन के टॉप फिफ्टी टॉपिक्स बैक बेंचेस वाले ई नोट्स जो आपके पेपर टू के हैं कंप्लीट नोट्स जो जो पेपर टू हमारे पास में अवेलेबल है उसके पॉलिटी है कंप्यूटर साइंस है कॉमर्स है और हिस्ट्री है ठीक है ना इनके ई नोट्स अवेलेबल है इसके अलावा पेपर वन की टेस्ट सीरीज और पेपर वन प्लस पेपर टू की अलग से जो डेढ़ सौ क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज़ है इन सब की प्राइस अगर क्यूमुलेटिव लेके चलोगे तो इनकी प्राइस लगभग आप लोगों की पड़ती है अड़तीस सौ रुपये इनको कट डाउन करके मैं तीन हज़ार के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑल इन वन पैकेज करके अगर आप चाहो तो ये तीन हजार इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए अगले दस से पंद्रह दिन में चलिए भाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो वैसे बहुत अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है मेरे लिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन देन आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका एक आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और एक आता है आप लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जगह अगर मैं वर्बल भी लिख दूँ ना तो भी चलेगा क्योंकि ये हमेशा इंटरपर्सनल ही होता है है ना हमेशा नहीं तो आप मान लो नाइन के अंदर आउट ऑफ ये वर्बल ही होता है अब इसका मतलब मतलब क्या है मतलब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये कि एक तो बात करने के या कम्युनिकेट करने के किसी भी तरीके से रिटर्न हो या ओरल हो किसी भी तरीके से बात करने का जो एक प्रोटोकॉल है उसके बिहाफ पर हम लोग दो तरीके के कम्युनिकेशन पढ़ते हैं एक जैसे कि फॉर्मल एक जैसे कि इनफॉर्मल अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि आपका पब्लिक कम्युनिकेशन पब्लिक में जब आप जाते हैं तो बदतमीजी से बात नहीं करते हैं घर में जैसे बदतमीजी करते हो वैसे बाहर जाके नहीं करते हो सही बात है ना राइट right? तो जो आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल वो हमेशा कैसा होता है सिस्टमैटिक होता है बट इन फॉर्मल के अंदर अगर नहीं भी होगा स्टैंडर्ड नहीं भी होगा थोड़ा ऐसा बोल भी दिया इनफॉर्मली तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पर पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा कैसा कम्युनिकेशन होता है जिसको हम सभी लोग एक प्रोटोकॉल के तहत लेके चलते हैं एक सिस्टम के तहत लेके चलते हैं अब मैं अगर आपसे बोलूं कि दोनों में से कौन सा साइक्लिक कम्युनिकेशन होता है तो आपसे बोला जाएगा एग्जाम में कि आंसर क्या होना चाहिए इनफॉर्मल होना चाहिए रूमर जो स्टार्ट करता है ना जो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है है ना जो रूमर को हिंदी में कहते हैं गॉसिप अफवा अफवा को जो शुरू करता है ना घूम फिर के उसी पर आ जाती है बात हाँ बिल्कुल सही बात है घर में आप इमेजिन करें कि घर में मम्मी पापा बैठे हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया इसके आयुषी के कॉमेंट से घर में आप बैठे हैं डिनर टेबल पे या है ना खाना खाने आप बैठे हैं और खाने पे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आज सब्जी अच्छी नहीं लगी है लौकी की सब्ज़ी बनी है हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई आप ये बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे है ना मे आई हैव योर अटेंशन फैमिली मेम्बर्स डियर मम्मी आज जो आपने ये बनाया है बॉटल गार्ड इंग्लिश में बोलते हैं ना फॉर्मल मतलब हमको लगता है इंग्लिश तो हम लोग नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम है ना ऐसा नहीं बोलो यार यार क्या सब्जी बनाई है मैंने तो जोमेटो करना है स्विगी करना है आज ठीक है फिर उसके बाद जो भी हो गेन मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो जाएगा बट बाहर जाके आप ऐसा नहीं कर सकते आई वुड लाइक टू रेज द टोस्ट और फिर वो टोस्ट रेज करता है वो जो भी टाइम पास हो रहा है जीवन में उस सिस्टम के तहत उसे हम फॉर कम्युनिकेशन पढ़ते हैं भाई सीधा सीधा बोल दे कंग्रेचुलेसन रेज द टोस्ट और पुरानी पुरानी कहानी सुनाएगा फिर अच्छे से ऐसे राइटिंग करके इतना तो यूपीएससी में कर दे तो भैया आई बन जाओ तुम एनीवेज साइक्लिक कम्युनिकेशन का सवाल बनेगा तो इनफॉर्मल लगाएंगे वाइन इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मतलब कि जिसके अंदर कोई, नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी बातें चलती है कुछ भी चलता है कोई इसके पास में ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती हमको क्योंकि हमको नहीं पता होता है बट कभी कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन काम नहीं आता है जैसे मैंने अभी आपको घर वाला एग्जाम्पल दिया वहां पर काम नहीं आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पर इनफॉर्मल ही काम आएगा अगर मैं आपसे बोलू ज्यादा एम्पेथिटिक या ज्यादा आपके लिए पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है तो वो इनफॉर्मल होता है हमको यही पसंद है हमको ये नहीं पसंद है हाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसा कम्युनिकेशन होता है हाई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी हमारे इंडियन सोसाइटी में मैम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है गुप्ता आंटी ने कहा क्या कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोदी जी ने क्या ट्वीट किया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है है ना जब मोदी जी आते हैं और जब बोलते हैं इनफॉर्मली बात करते हैं तो आ, ये है ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और अब कोई यूएन में बैठ के बढ़िया स्पीच पढ़ रहा है वो हमको पसंद नहीं आता है ठीक है नहीं तो हमको जो पसंद आता है वो इनफॉर्मल है मतलब ज्यादा एम्पेथेटिक कौन सा होता है इनफॉर्मल होता है ये कैसा है ये मशीन वाला कम्युनिकेशन है जी मशीन्स की जैसे बात करते हैं प्रोफेशनल ये ज्यादा है अब ये जो है इसको ऑर्गेनाइजेशनल भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ठीक है ना अब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर जिस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होता है वो टाइप का कम्युनिकेशन है ये आप कंपनी के अंदर ना बड़े अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं या फिर एक चीज बताओ मुझे हम जब ये डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजोंटल वर्टिकल इस टाइप के जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे कम्युनिकेशन फॉर्मल में ही आते हैं जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि ये दोनों जो है ये वर्टिकल में आता है और हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल मतलब ये वर्टिकल मतलब ये अगर दो सेम स्टैंडर्ड के एम्प्लॉयज हैं ठीक है ना ये भी क्या है ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है जब मैनेजर मैनेजर आपस में कोई बात ये सेल्स मैनेजर है ये जो है ये मार्केटिंग मैनेजर है मान लीजिए ये दोनों जब बात करेंगे तो जिस तरीके से ये कम्युनिकेट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन सॉरी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और अगर जो आपका टीम लीडर है वो अपने टीम एम्प्लॉय से बात कर रहा है या जो आपका मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल यहाँ पर जो है एक रिस्पेक्ट होगी किसके प्रति जो ऊपर की तरफ बैठा है इसकी डेजिग्नेशन हाई है तो आप इसको सर बोल के बात करोगे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मैनेजर ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग ठीक है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं ठीक है ना मैनेजर सैलरी बढ़ा दो ऐसा नहीं होगा वो बढ़ा देंगे सैलरी दूसरे कंपनी में बढ़वानी पड़ेगी मतलब ठीक है उस कंपनी में हो जाएगा फिर आपका टाटा बाय बाय ठीक है यू कैन टॉक लाइक दैट तो ये जो है ये आपका क्या है वर्टिकल है एम्प्लॉय मैनेजर से बात करें तो अपवर्ड मैनेजर एम्प्लॉय से बात करें तो डाउनवर्ड वेरी सिंपल कोई कंफ्यूजन नहीं कुछ याद नहीं करना है बस समझते चलो अच्छा क्या मैम ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है नहीं ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसने रूमर शुरू करे हैं <laughs> तो ये इनफॉर्मल भी हो सकता है जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉसिप हर फॉर्मल कम्युनिकेशन के पीछे क्या छुपा हुआ है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन छुपा है जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन कभी भी इनफ नहीं है उसके पीछे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना है है टेक्स्ट बुक के अंदर सारी बातें लिखी है। पर पढ़ के मजा नहीं आता जब अदिति मैम कम्युनिकेशन क्रैश कोर्स वीडियो बनाएंगी वो देखेंगे फिर हमको अच्छा लगेगा ऐसा मैं खुद का प्रमोशन भी बीच में कर देती हूँ ठीक है अभी उसकी मुझे जरूरत है तो मैं कर दे हाँ जी पढ़ तो आप सकते ही थे ना बुक में से तो हम सभी पढ़ सकते हैं फिर हमको क्यों मजा आता है वीडियो देखकर है ना सब ने बोला था अपने मन की करो बेटा जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वो बनो समझ नहीं आया ना जब थ्री इडियट्स देखी फिर समझ में आया कि अरे यार मेरे को तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था मैं तो गलती से यहाँ पर एम कॉम के अंदर आ गया समझ रहे हैं आप <laughs> फिर हम वो गली के वो स्ट्रे डॉग्स की फोटो खींच खींच के अपने आप में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन रहे हैं फिर रहे हैं गली में घूम रहे हैं खूब है ना फिर पिट रहे हैं मम्मी पापा से तो वो क्या हुआ वो भी एक तरीके का तो ग्रेपे वाइन कम्युनिकेशन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा क्लियर है आ जाइए अब आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन देखो वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है ना वो आपका किस किस तरीके से हो सकता है नहीं मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड बनाई है कंजूसी नहीं करेंगे हम हाँ जी देखो वर्बल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने कोशिश ही करी इस जी GIF से आपको ये बता सकूँ की ये दोनों बैठ के आपस में बढ़िया बातें तो कर ही रहे हैं बहुत सारे टाइप्स भी हैं कम्युनिकेशन के जो निकल जा रहे हैं मेरे पकड़ में नहीं आ रहे क्योंकि जी है है ना बहुत सारे टाइप भी हैं कम्युनिकेशन के ठीक है तो बेसिकली देखो जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना इसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन कंपल्सरी है या तो कम्युनिकेशन ओरल होता है या कम्युनिकेशन रिटर्न हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन में या तो ओरल कम्युनिकेशन होगा या रिटर्न कम्युनिकेशन होगा या तो आप किसी को चिट्ठी लिखते होंगे है ना और सामने से चिट्ठी का रिप्लाई आता होगा ठीक है या फिर आप लोग क्या करते होंगे फोन पे बात कर लेते होंगे है ना कॉल करके डायरेक्टली बात कर लेते होंगे तो जो पहला का जमाना था जिसके अंदर कबूतर के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी याद है ना वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन था और आज जो आप है ना सेब के साथ में जो बातचीत कर रहे हैं वो भी आपका क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है अब जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है जैसे जो ये दोनों बंदे हैं है ना ये जिस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें भी दो या दो ओनली टू एंड टू लोग कम्युनिकेट करें उसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं अब जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है अगर उसमें दो लोग हैं तो वो इंटरपर्सनल है अगर कोई खुद ही से बात कर रहा है तो वो इंट्रापर्सनल है अब खुद ही से बात कर रहा है मतलब जैसे सोते हुए कुछ लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की है ना हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो सोते हुए क्या करता है डायरी लिखता है या फिर खुद से बात करना जैसे मैं आपको हमेशा स्ट्रैटेजी में भी ये बताती आपको याद हो तो मैंने एक बड़ी इमोशनल सी स्पेशल क्लास ली थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अपने आप से बातें करती हूं जब हम अपने आप से रिटर्न बातें करते हैं ना तो हम अपने आप को ही बता रहे होते हैं कि देख तूने उस दिन ये पढ़ा था इस दिन ये नहीं पढ़ा आपने को इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं या तुमको ये करना है तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है सेंस ऑफ क्लैरिटी ज्यादा होती है देखो मुझे ऐसा लगता है दूसरों से बात करने से बेहतर है खुद से बात करो ठीक है लोग मान सकती हूँ कि इसको हेलुसिनेशन समझ लेगा कोई बोलेगा अरे पागल हो गए खुद ही से बातें किए जा रही है बट

कि भूत से हम बात कर सकते हैं भगवान से हम बात करते हैं है ना जब हम प्रे करते हैं तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है ट्रांसपर्सनल है ना जब हम डर रहे हैं किसी चीज से वो कैसा है वो भी आपका क्या है ट्रांसपर्सनल अब मानो तो ट्रांसपर्सनल अगर नहीं मानते हो तो इंट्रापर्सनल समझ में आ गया <laughs> आ, बिल्कुल सही बोल रही विद्या जी कह रही मैम ऐसे बोलेगा कि नेट की तैयारी करते करते आदमी सटक गया बेचारा बच्चा बिल्कुल सही बात है है ठीक जी तो ये आप लोगों के सारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं जैसे मैंने कहा वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन में मात्र सात परसेंट का कंट्रीब्यूशन रखता है आपके वर्ड्स का सिर्फ सात परसेंट का महत्व है बच्चे में जो आप लोगों के कितने 93% हो गए वो किस पर डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें सब कुछ आता है ये जो क्लास हो रही है जो मैं बात बोलने का तरीका है है ना जो मेरा अपीयरेंस है ठीक है जो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमारा डिस्टेंस है जो मैं पॉज ले रही हूँ जिस टाइम लाइन का मैं यूज़ कर रही हूँ क्या कितनी बार मैं ब्लिंक कर रही हूँ मैं किस टोन में बोल रही हूँ सब सारी की सारी चीज़ें मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज है ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है आपकी पिच कैसी है पॉस्चर क्या है बॉडी लैंग्वेज क्या है आई कॉन्टैक्ट कितना है ब्लिंकिंग कितनी है टोन कैसा है फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है है ना स्मेल कैसा है अब स्मेल तो अब नहीं आ सकता है ठीक है और ऑफलाइन में आ सकता है स्मेल ऑनलाइन में तो नहीं पता आपको कि मैंने फॉग लगाया कि नहीं लगाया चल रहा है कि नहीं चल रहा है फॉग फिर टाइम का हो गया ठीक है पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है वही पर्सनल अपियरेंस की बात आ जाती है मेरे जेस्टर्स कैसे हैं पिच ऑफ द वॉइस कैसा है ये सारी की सारी चीजें जो है ये किसमें आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है ठीक है अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं देखो इसमें अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है ये सब आपको पता है इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली इनफॉर्मल होता है आप एक चीज ध्यान रखना ये आपको याद रखने सारे के सारे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना क्रोनोमिक्स आ गया है तो टाइम से रिलेटेड है है ना टाइम से रिलेटेड टाइम लाइन का जब मैं इस्तेमाल करती हूँ देखो टाइम एक बहुत इम्पैक्ट बहुत इंपैक्टफुल फैक्टर है कम्युनिकेशन के अंदर तो टाइम हो गया एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बात बोली अभी और फिर पाँच मिनट का गैप लेके दूसरी बात बोली है ना जो बात पहले बोलनी थी वो बाद में बोली सीक्वेंस ठीक से नहीं है तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा कुछ भी नहीं समझ में आएगा कुछ भी नहीं ऐसा करके ऐसा कर दोगे आप नहीं आया समझ में तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना मैं किस पेस पे बोल रही हूँ कौन सी चीज़ पहले बोलनी चाहिए कौन सी चीज़ बाद में बोलनी चाहिए है ना देन आता है आपका प्रोक्सिमिक्स ये जो है ये स्पेस से रिलेटेड है डिस्टेंस से रिलेटेड है स्पेस 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 मतलब मतलब वो साइंस नहीं कि पता रॉकेट बैठ के ऊपर चले गए डिस्टेंस मतलब जैसे फॉर आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है आपकी जो क्लोजनेस होती है डिस्टेंस होती है किसी बात करने वाले से वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे जैसे अगेन मैंने कहा मिस्टर पप्लू एंड मिस्टर दोनों दोनों दोस्त हैं। दोनों दोस्त हैं हैं तो बढ़िया आपस में है ना ऐसा घूम सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा ऑब्वियसली ना कम्फर्टेबलनेस इन दोनों के बीच में रहेगी अब मिस्टर पप्लू जी एंड मिस्टर चप्पलू जी की हो जाती है दुश्मनी भाई इनके बीच में जितनी ज्यादा दूरी हो उतना ही बेटर है नहीं तो हाथापाई पे आ जाएंगे फिर हम हैप्टिक्स पे आ जाएंगे तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मम्मी से जैसे बात करते हैं आप अपने बॉस से वैसे नहीं बात कर सकते हैं जाके नहीं मूरत मुहूर्त नहीं आएगा इसमें ठीक है तो आपकी जिससे जितना ज्यादा क्लोज डिस्टेंस से आप बात कर रहे हो उतना मतलब आप उनसे इनफॉर्मल हो उतना ज्यादा आप उनके क्लोज हो इमोशनली ठीक है इंटीमेट हो उनके साथ में आप फिर आता है आपका ऑक्यूलेक्सिस ये जो होता है ये होता है आई कॉन्टेक्ट ठीक है ना अब ये जो है ये हमारी माता जी बहुत ज्यादा यूज करती है इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बस वर्ड में आपको बता देती हूँ जब पड़ोस वाली आंटी जी आए या मम्मी की दोस्त आए और आप उनके सामने कर दो बदतमीजी तो जो आपको गेज मिलता है ना जो आंखों से ही इशारा हो जाता है कि तू निकल ले यहां से मेरी बेजती मत करवाना वो जो पूरा एक ऐसे राइटिंग हो जाता है हमारे दिमाग में जो जो गेज आता है ना वो जो स्टेयर आता है देखो आप बोलोगे कि मैम आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो नहीं मैं एक अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली व्यक्ति हूँ तो मैं ऑब्जर्व करके बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है पता चले मेरे पे डाल दो कि मैम आपके साथ होता है है ना होता तुम्हारे साथ है ये ज्यादातर ओक्योलिस है ठीक है ना अब इसका पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव सेंस तो आपने देखा ही होगा है ना बॉलीवुड पिक्चरों में आंखों में ही वही हो जाता है बस आंख का आंख मिल जाती है फिर तो जुबा केसरी वाला एड बन जाता है मतलब सब कुछ हो जाता है तो पॉजिटिव वे भी हो सकता है मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक डरावना रिलेशनशिप भी हो सकता है मम्मी का जो स्टेयर है गेज है वो भी हो सकता है ठीक है जी आप मान लीजिए तो ऑक्यूरे से रिलेटेड है ऑफ ऑल फैक्टिक्स ये स्मेल से रिलेटेड होता है ठीक है ना ओ एल एफ ए सी टी आई सी एस स्मेल से रिलेटेड है ठीक है ना ये आपके और आपके खाने के बीच में सबसे ज्यादा पाया जाता है ठीक है पहले हम खाने को सूंघते हैं फिर हम खाते हैं किसी खाने में अच्छी स्मेल नहीं आती है तो हम यूजली उसे नहीं खाते हैं अगर बुक कैटेगरी के अंदर नहीं आता है कोई तो वो नहीं खाएगा उसको फिर ठीक है बट ये स्मेल से रिलेटेड है ठीक है ना हमको स्मेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सेंसेस वाले चीजें हैं स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है इसलिए ये भी यहाँ पर आएगा हैप्टिक्स होता है टच मी राइट टच मी टच मी वाला जो गाना आया था ना वो यहीं से आया था भाई हैप्टिक्स मतलब क्या है हैप्टिक्स मतलब है टच टच भी मैटर करता है ठीक है ना जब आप किसी को रोते हुए चुप कराते हो अपने छोटे भाई बहन को चुप कराते हो जैसे बेचारे को ऐसे अरे बेटा तू रो मत कोई बात नहीं मैं तुझसे ज्यादा पिटा हूं जब बड़ा था छोटा था सॉरी है ना ये सारी चीजें जो है तो टच एक और ज्यादा इंटीमेसी देता है और ज्यादा क्या दिखाता है इनफॉर्मैलिटी दिखाता है और ज्यादा क्लोजनेस दिखाता है बातचीत में कम्युनिकेशन में फिर आता है आपका काइनेक्सिस ये जो काइनेक्सिस है ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से ये कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है ठीक है अब एक होता है एनर्जेटिक व्यक्ति जैसे अब मान लीजिए इस क्लास में मैं इधर उधर घूम घाम के पढ़ा रही हूं आपको कभी इधर जा रही हूं कभी उधर जा रही हूँ एक्सप्रेशन लेके आने की कोशिश कर रही हूं हाथ का यूज कर रही हूँ ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ और एक है कि मैं बैठ जाऊं ठीक है और बैठ के बढ़िया आराम को क्योंकि जैसे सर अब मान लो ये जॉब प्राइवेट जॉब है अगर ये जॉब मेरे लिए सरकारी होती मुझे पता है कि कोई मुझे निकाल नहीं सकता वैसे तो ये भी मेरी ही है किसी ने मुझे रखा नहीं है मेरा ही चैनल है बट कहीं ऐसा हो सकता है ना कि आप नहीं कर रहे का मन है ठीक है नहीं कर रहे हैं बैठे हैं और क्या हालचाल है बच्चों आप ये पढ़ लीजिए इस किताब के इस नोट ये सब जो चीज़ें हैं इसमें मजा आएगा या फिर आइए देखते हैं ऐसा होगा वैसा होगा ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेचारा खत्म कर रहा है सेंडर इन्फॉर्मेशन सेंड करने में ठीक है ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूं याद रख लेना पता चले एग्जाम्पल तो याद है वर्ड भूल गए मैंने वहीं आके पिटाई करनी है एग्जाम के अंदर ही ठीक है फिर आता है आप लोगों का कलर से रिलेटेड तो क्रोमेटिक्स अगर कोई कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति ये देख रहा है वीडियो तो उसको याद होगा क्रोमैटिक नंबर निकालते थे ग्राफ का तो क्रोमैटिक्स कलर से रिलेटेड है एक साइलेंस हो जाता है टोन से रिलेटेड है और एक और है वो कैलिसिस ठीक है ये भी किससे रिलेटेड है ये भी किससे रिलेटेड है ये वोकल से रिलेटेड है वॉइस से रिलेटेड है ठीक है जी और बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में देखो हम सभी लोगों ने या अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था आ, कि किस तरीके से जो है वो हमारे लिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है या कम्युनिकेशन साइकिल कैसे काम करती है राइट तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की कम्युनिकेशन की तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेंडर सेंडर किसी मैसेज को इम्पोर्ट करता है एनकोड करने के बाद में उस मैसेज को वो क्या करता है चैनल पे डालता है उसके बाद में रिसीवर तक वो पहुंच जाता है रिसीवर उसे एनकोड से डी कोड की पोजिशन में लेके आता है और उसे समझता है राइट right? जैसे फॉर मैंने किसी को मैसेज भेजना है हाय तो अब मैंने हाय मैसेज को पहले मैं एनकोड करूंगी फॉर एग्जाम्पल डॉलर हैश करके मैंने लिख दिया है सो so देट अगर ये चैनल पर जा रहा है और कोई भी एडवर्सरी है राइट right? कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसको इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था ऑथेंटिक नहीं है तो उसको पता ना चले और फिर ये जो बंदा है ये इस डॉलर हैश को दोबारा से किस में डी कोड कर लेगा हाई में डी कोड कर लेगा तो ये बहुत ईजी सी बात है अब यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है वाई वी डू दिस यू नो सेंडिंग और रिसीविंग वाला प्रोसेस तो वो ये है कि हमको दोनों को सेंडर को और रेसिपियंट को सेम कॉन्टेक्स्ट पे रखना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है देखो अगर मैं बोल रही हूं हाई इन जनरल और रिसीवर को लगेगा कि यार मैं चिढ़ाने के लिए कुछ बोल रही हूँ या किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल रही हूँ तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं दोनों का जो मनोस्तर है है ना जो उनकी मानसिकता है जो उनका आप बैकग्राउंड है बात करने के पीछे वाला वो क्या होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए अब मैं आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और आपका दिमाग कहीं और है तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये भी एक तरीके का बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर इसको हम लोग बोलते हैं अब बात ऐसी है कि इसके अलावा सेंडर एनकोडिंग मैसेज चैनल डी कोडिंग रेसिपियंट हो गया और रेसिपियंट से आएगा एक फीडबैक फीडबैक क्या कि हाँ मुझे मैसेज रिसीव हो गया या वो बदले में हाय बोलेगा हेलो बोलेगा कुछ भी बोल सकता है है ना वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा मैसेज को वापस भेजेगा अब यहां तक ये जो एट स्टेप्स मैंने आपको बताए या फिर टू से एट तक के जो ये स्टेप्स है ना ये छह स्टेप्स आपको याद रखते हैं इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कई बार हमको ऐसे लगता है कि मैसेज पहले आएगा तभी तो एनकोड कोड करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है पहले इनकोडिंग है फिर मैसेज आएगा ये चीज याद रखिएगा उसके बाद में चैनल आएगा इसको हम लोग एस एम सी आर मॉडल भी बोलते हैं है ना एस एम सी आर मॉडल जिसमें एस को सेंडर या सोर्स भी बोल सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है और फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज ये क्लास डेडिकेटेड है वो है आपका नॉइज अब आप देखो ये नॉइज जो है ना ये नॉइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली नॉइज की ही नहीं बात हो रही है नॉइज मतलब एक तो वो साउंड में जो नॉइज आता है वो होता है नॉइज बेसिकली एक ऑब्स्टिकल के तौर पे मेटाफर्ली यहां पर यूज किया गया है मतलब ये है कि मान लो मैं आपसे बात कर रही हूं अब या तो क्या हो सकता है पीछे शोर हो सकता है मैकेनिकल नॉइज वाकई में जनरेट हो सकती है जैसे मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ और कंटिन्यूसली ये आवाज आ रही है बाहर वो आपने देखा ना अपनी क्लासेस में तो वो अपना स्वच्छ भारत अभियान भी कभी, कभी कभी चलता है क्योंकि मेरा जो रूम है वो जस्ट मतलब बिल्कुल इसके बाद में रोड ही है एकदम एंड एकदम ग्राउंड टू रोड क्लासेज आपकी हो रही है तो या तो वो हो सकता है या फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आपका दिमाग कहीं और है फिजिकली तो आप प्रेजेंट हो तो मेंटली नहीं हो जैसे कि हमारा पूरा स्कूल जिंदगी निकली है फिजिकली तो हम स्कूल में थे पर मेंटली हम स्कूल में नहीं थे इसीलिए स्कूल के बाद ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है समझ में आ रहा है ट्यूशन पे जाते थे बचपन में तो ट्यूशन पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते थे मेंटली पता नहीं हम कहाँ होते थे है ना मेंटली हम होते थे कि अरे यार, यार वहाँ की जो पेटीज है ना वो बड़ी फेमस है यार ये वाला नया जो है वो रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे जाके फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालेंगे सो दैट मेरे लाइक्स बढ़ जाएंगे है ना मैं पॉपुलैरिटी मेरी हो जाएगी वो सारी चीजें हमारे उस टाइम पे चल रही होती थी फिर समझ में आया आपका लाइक नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा है ना एग्जाम नहीं निकलेगा तो हम वहां तक आ गए हैं तो कुल मिला मेरा ये मतलब है नॉइज किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस को बोलते हैं किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को बोलते हैं दो लोग जब जब बात कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन चल रहा है तो इसके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी चाहे वो फिजिकल हो मैकेनिकल हो हो साइकोलॉजिकल किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल आ जाना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम नॉइज बोलते हैं बहुत ही जनरल सी चीज है बैरियर्स के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल बने हैं ना थोड़ी मेहनत करी है और वो सारी की सारी मैंने लाइन में आप लोगों को लिख कर लाइन्स दी है ये मैंने एक बार पहले भी किया था जब मैंने कम्युनिकेशन का पेड़ कोर्स पढ़ाया था अगर कोई बच्चे ने वो कोर्स देखा है तो उसको याद होगा है ना कि कैसे कैसे सवाल आप लोगों के बने उसमें थोड़ी बातें और इंक्लूड uh, कर दी है पिछले साल के पेपर के हिसाब से तो देखो क्या होता है आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है साइकोलॉजिकल होता है सीमेंटिक बैरियर होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है और फिजिकल बैरियर होता है ये कुछ टाइप के बैरियर्स हैं नाम से ही समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है आज आप और मैं कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको टीचिंग में जाना है इसके अलावा आप जब कम्युनिकेशन की बात करते हो तो कम्युनिकेशन कहाँ से निकल के जाएगा या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेटर बनना चाहते हो आप अपने आइडियाज को अपने थॉट प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो है ना ये चीज हम लोग चाहते हैं तो बेसिकली वही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और क्या क्या बैरियर आ सकता है अब इमेजिन मैनेजर है और नीचे जो है उसका एम्प्लॉय है अगर मैनेजर जो है वो अलग ही सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घूमे कि नहीं नहीं ये तो एम्प्लॉय है इससे क्यों मैं डायरेक्ट बात करूं तो या मिसकम्यूनिकेशन नहीं होगा क्या या फिर आप बोल सकते हो ना कि दोनों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी मैनेजर अपनी दुनिया में एम्प्लॉय अपनी दुनिया में एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आएगा कब क्या करना है है ना वो फिर अपनी मर्जी से काम करेगा तो यहां पर कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा या नहीं होगा तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्या है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो है ना भैया सीईओ ने कुछ बोला फिर मैनेजर ने कुछ और सुना टीम लीडर ने कुछ और सुना और एम्प्लॉय ने तो कुछ और ही सुना ग्रेपेे वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होता है ना दो में दस बातें जोड़ के हम जो चिपकाते हैं आप तो बहुत अच्छे से जानते हो ग्रेपे वाइन क्या होता है सब पता है गुप्ता जी मिश्रा जी शर्मा जी के घर में क्या चल रहा है आपको सब पता है आप ही तो वो मेन वो विसल ब्लोअर हो झंडा लेके आप ही तो पूरी कॉलोनी में घूमते हो कि अरे आपको पता नहीं गुप्ता जी का ऐसा हुआ था है ना? मिश्रा जी के ऐसे हुआ था मुझे सब पता है आपका तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल या फिर आप लोगों को ग्रेपे माइंड कम्युनिकेशन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या क्या बैरियर होता है की मुझे जरूरत नहीं है नहीं नहीं कहता है देखो फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तो इसी को बोल रहे हैं हम है ना फिजिकल के अंदर ही हम लोग एक और पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल देखो एक तो होता है क्या एक तो होता है दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होना दिमाग में कीड़ा होता है ना किसी किसी के एक तो होता है ना दिमाग में ही किसी के कीड़ा होता है वो नहीं समझूंगा मैं तो नहीं खेल रहा मतलब दिमाग में डिसाइड करके आ जाता है जैसे कि कॉन्टेक्चुअल बैरियर जो होते हैं वो इसी तरीके के बैरियर होते हैं है ना बच्चे को कुछ बोल रहे हो अब मैं बोल रही हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में दिखाई है मैंने पीपीटी बोल मैं हिंदी में रही हूँ पर फिर भी कुछ बच्चा होगा जिसने साइकोलॉजिकल बैरियर बिठा लिया कि जब तक हिंदी में दिखाएगा नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ये क्या है एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है शायद इस बैरियर को वो दूर करे तो हम दोनों का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है शायद सोच के देखना ठीक है ना एक इसी में क्योंकि साइकोलॉजिकल पढ़ा है तो इसी में मैं फिजियोलॉजिकल भी आपको बताना चाहती हूँ देखो जरूरी नहीं है एक तो होता है दिमाग में कीड़ा और एक होता तो है बॉडी में कीड़ा बॉडी इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते भूख लग गई होता है ना जैसे बचपन में मेरे साथ होता था भूख लगती थी तो कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर पहले खाना खाना होता था फिर ही समझ में आता था है ना इससे मेरी मम्मी मुझे बड़ा चढ़ाती है कि बचपन में तो ऐसे करती थी तो ऐसा होता है यार भूख लग रही है तो लग रही है नहीं समझ में आ रहा पहले खाना खाएंगे फिर ही पढ़ेंगे होता है ना इंटरवेल के पहले वाले पीरियड में हमको कभी कुछ समझ में आता ही नहीं था क्योंकि हमको इंटरवेल का इंतजार होता था इंटरवेल आएगी फिर जाएंगे समोसा चटनी खाएंगे वो वाला हमारा सीन चल रहा होता था कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी है ना हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो हेडेक हो रहा है नींद आ रही है ये जो सारी की सारी चीजें जो आमूमन आपके साथ में होती है मतलब ज्यादा भी नहीं तो नाइनटी जो आप लोगों के साथ में होते हैं ना कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही है नींद आ रही है ये वो चीज है बहुत कम 99% ही होती है आपके साथ में देन आता है आप लोगों का फिजिकल बैरियर देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर बॉडी से रिलेटेड होता है बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड होता है हेड हो रहा है दिख नहीं रहा है सुनाई नहीं दे रहा है इस तरीके के कान में प्रॉब्लम हो गई दिमाग में प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल हो गई एक होता है फिजिकल फिजिकल बैरियर जैसे कि जो फिजिकल नॉइज होती है इसको हम मैकेनिकल भी बोलते हैं है ना मैं पढ़ा रही हूँ और पीछे गाना चल रहा है इमेजिन पीछे एकदम बढ़िया दर्द डिस्को दर्द डिस्को गाना चल रहा है

फिजिकल बारियर में आती है। आप पढ़ रहे हो जैसे होता था मेरी दोस्त जो है वो है कॉमर्स की छुट्टी हो गई उनकी और हमारी चल रही है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो छोड़ते नहीं थे पूरा पढ़ाएंगे अब मैं पढ़ रही हूँ इमेजिन वो खिड़की में से मेरे को आवाज दे रही है इशारे मार रही है चिट्ठी फेंक के मार रही है अरे चल ना चल ना अरे वहां घूमने जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे तो ये क्या है वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है मतलब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ क्यों क्योंकि क्यों फिजिकल नॉइज है एनवायरमेंटल नॉइज है है ना इसको डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं धरती का बोझ भी बोलते हैं हिंदी में इसको याद आ गया है ना अरे ये मैंने कहीं सुना था कल ये गाना मैंने कल कहीं सुना था ऑटो में चल रहा था ठीक है फिर एक आता है गाइस आप लोगों के लिए सीमेंटिक बैरियर देखो सीमेंटिक बैरियर जो है ना वो साइकोलॉजिकल बैरियर के ही मेजर फॉर्म को कहते हैं जहां भी चाहे आईसीटी हो चाहे कम्युनिकेशन हो जीवन में आपको कहीं भी बैरियर दिखे ना तो आप ये मान के चलना कि बैरियर को मीनिंग से रिलेट करना है semantic का मतलब ही होता है है मीनिंग ठीक ना आपने जो वर्ड लिखा है उसके मीनिंग क्या है वो उसका सीमेंटिक कहलाता है एक तो सिंटेक्स पढ़ते थे और एक सीमेंटिक्स पढ़ते हैं आईसीटी में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है ये चीज तो सिंटेक्स तो होता है कि क्या स्ट्रक्चर में चीज लिखी है और सीमेंटिक मतलब होता है जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है ठीक है जो चीज लिखी है उसका मतलब क्या है जैसे कि ये फ्लो चार्ट जो है ये फ्लो चार्ट क्या है सिंटेक्स है बट जो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकल मतलब ये सीमेंटिक मतलब ये इसका मतलब ये ये क्या है आपका सीमेंटिक होता है तो अगर आपको मीनिंग में मीनिंग में डिफरेंस आए भाई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा एम्बिग्यूटी आ रही है जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सरकैजम है ना वो तोतापुरी वाला एग्जाम्पल याद है ना तोतापुरी वाला एग्जाम्पल याद है आप लोगों को जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पैंट और रेड शर्ट पहन के घूम रहा एक पार्टी में बंदा मैंने उसे देखा था फिर मैंने उसे बोला था भाई क्या लग रहे हो भाई साहब आप आउट ऑफ दी वर्ल्ड एक्चुअली मैं आउट ऑफ दी वर्ल्ड ही लग रहा है वो उसको लगा मैं आउट ऑफ दी वर्ल्ड बोल रहा हूँ इन इन मेटाफरिक टर्म्स की अरे वाह यार क्या आउट ऑफ वर्ल्ड सबसे अच्छे आप लग रहे हो मैं उसको बोलना चाह रही हूँ आप आउट ऑफ दी वर्ल्ड ही लग रहे हो प्लूटो के लग रहे हो आप जिसको तो प्लान भी नहीं काउंट करते अब हम तो वो क्या है वो है सीमेंटिक बैरियर सर्कैज जैसे हो गया आप लोगों का कभी कभी एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं है ना उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर ही बोलते हैं आप देखो कुछ लाइन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई है इंपॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है आपकी उसका अगर लैक है तो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर वो होता है नॉइज के कंपैरिजन में अगर मैं परसेप्शन की बात करूं तो परसेप्शन मतलब है कि बंदा सुन क्या रहा है और समझ क्या रहा है वही डिफरेंस है जो हियरिंग में और लिस्निंग में होता है है ना हियरिंग में और लिस्निंग में जो मतलब का डिफरेंस होता है समझ में आ गया <coughs> देन आता है आपका लैंग्वेज जैसे कि मान लो कल्चरल बैरियर में आ गया लैंग्वेज भी जैसे कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ आपको जो है वो uh, मैं हिंदी बोल रही हूँ आपको सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है तो आपको क्लास सही ही समझ में आएगी है ना कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं राइट right? कि किस तरीके से आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें डिफरेंस आएगा देन आता है आपका <coughs> एंजाइटी हो सकती है है ना इसको हम लोग बोल सकते हैं देखो ये फिजियोलॉजिकल में भी आ सकता है कभी कभी होता है ना कि हम इरिटेटेड मूड में नहीं समझ में आती है चीजें राइट right? इसके अलावा आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि शटरिंग हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में आया था ये पिछली बार इसीलिए बोल रही हूँ ठीक है ना अरे दिमाग के की कीड़े की बात चल रही है पे पुअर चैनल हो सकता है आ, ही बात है तो हो गई मैकेनिकल में नॉइज में इसमें आता है जम्बल वर्ड्स का यूज करना होता है जैसे कि मैं जब भी हमारे स्टूडेंट्स का वाइवा लेती हूँ तो ये मेरे को जम्बल वर्ड ही देते हैं या तो वन वर्ड आंसर देते हैं याद दे है क्या वाइवा वाली क्लासेस या तो बच्चे क्या करते हैं वन वर्ड आंसर देते थे मेरे को बिल्कुल ही खिचड़ी बना के दे देते दे दे. ये लो अब आप इसमें चावल चावल दाल अलग -दाल कर लो मैम और सेंटेंस बना दो समझ लो और फिर आंसर कर दो हमारे डाउट का और फिर आंसर नहीं करो ना तो फिर ऐसे और कह रहे यार मैम आप तो हमारा रिप्लाई नहीं करती हो ठीक है तो जंबल वर्ड्स का यूज करना हो गया इंटेंडेड मैसेजेस जो बोलना चाहते थे वो हो गया फिर होता है इमोशनल स्टेट अब मान लो मैं खुश हूं है ना तो मैं खुशी खुशी पढ़ा रही हूँ वो इमोशन का फर्क तो पड़ता ही है ना वो एक एंतुजाजम का एनर्जी का फर्क पड़ता है क्लास में अब मैं डिप्रेस्ड हूँ इमेजिन मैं बीमार हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं शायद उतना कन्विंसिंगली आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी ये फिजियोलॉजिकल में भी आ सकता है और साथ ही साथ ये जो चीज़ें आप लोगों के साइकोलॉजिकल में भी आ सकता है अब आप डिप्रेस्ड हो इमेजिन जैसे पिछले टाइम की बात करते हैं आपका रिजल्ट आया आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है ना आपका नहीं हुआ सिलेक्शन और उसी दिन मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपका मन करेगा क्या पढ़ने का नहीं करेगा नहीं करेगा ठीक है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी हो सकता है ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल में भी हो सकता है डिस्ट्रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं है ना डिसट्रस्ट देन इज थॉट प्रोसेस हो गया आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा यापेज आर्ट के अंदर कभी कभी होता है ना जब इंटरव्यू में आप लोग बैठते हो तो आपने सबसे ज्यादा ये चीज फेस करी होगी इंटरव्यूअर आपसे कुछ और पूछता है है ना सबसे पहली बात तो एक नर्वसनेस होती है उस एनवायरमेंट की अभी आप जब रिसर्च पैनल के सामने जो रिसर्चर्स उनके पैनल के सामने अपना प्रपोजल प्रेजेंट करोगे ना तो एक वो नर्वसनेस हमारे अंदर होती है कोई भी इंटरव्यू दो आप एक नर्वसनेस होती है और फिर हम लोग में बोलते हैं जो लाइन पहले बोलनी थी वो बाद में बोल देते हैं बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन गन्फ्यूज, हो जाता है और फिर ये भी नहीं समझ भी आता हिंदी में आता होता है बोलो पर एक ही लैंग्वेज को फॉलो करो पर हम तो व्हाट्सएप वाले हैं हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं हमको तो आता है और क्या कर रहा है तू और बीच में मिक्स हो जाता है खिचड़ी बन जाती है हमारी बातों की तो बात ऐसी है अनऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस है तो वो भी एक तरीके का बैरियर है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो टॉम वेंट फॉर द बैश येस्टरडे नाइट अब बैश मतलब पार्टी भी होता है और बैश मतलब कुटाई भी होता है तो जो टॉम के दोस्त हैं उनको तो ऐसा लगा हो ना कि मम्मी और पापा ने बढ़िया बैश करा है बढ़िया कुटाई मचाई है टॉम की जबकि टॉम तो कह रहा है मैं पार्टी में गया था तो मतलब समझने में कंफ्यूजन हो गया अब बात हो गई कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर आपने यूजुअली नोटिस किया होगा मार्केट में ये बहुत ज्यादा चलता है या हो सकता है ना कभी आपने मुझसे कोई डाउट पूछा क्योंकि मेरे लिए आप रिसीवर हो मैं सेंडर हूं तो आपने कोई डाउट पूछा जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि है ना डाउट को आपने ढंग से फ्रेम नहीं किया या मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही जो आप पूछना चाह रहे हो कभी कभी होता है ना मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से रिप्लाई कर दूंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आया है ना आपकी बात आपका स्पीच हो सकता है चीजें क्लियर ना हो देन होता है इग्नोरिंग द कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सेवन सीज को वॉयलेट करेगा तो प्रॉब्लम होएगा अवॉइडिंग द लिसनर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन एजुकेशन में ये सबसे बड़ा बैरियर है हम सुनते ही नहीं है है ना देन आता है आपका कि रेसिपियंट से फीडबैक नहीं लेना एक तरीके का बैरियर है नॉट अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ द रेसिपियन ये भी बहुत बड़ा बैरियर है कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं होना लो पिच या फिर टोन आ जाना आप सब लोग तो जानते हो लो पिच या टोन का मतलब क्या होता है ये होता है मैम एक तरीके से फिजिकल बैरियर राइट एक तरीके का फिजिकल बैरियर भी हो सकता है ये <coughs> क्या चल रहा है यहां पर चल क्या रहा है आप लोग क्या कर रहे हो राइट right? आता है इमेशनर कुछ लग रहा है कि आपको सिमिलर कुछ याद आ रहा है कि इससे एक बार लर्नर और फिर मिरर के सामने खड़े होके देखो आपको खुद ही दिखोगे और होता है ना कभी कभी नहीं नहीं मैम ये नहीं वो वाला टॉपिक भी पढ़ा दो मैम वो उसका तो वो हुआ ही नहीं था इसका तो ये हुआ ही नहीं था मैम आपने तो बोला था यूट्यूब पे करा रहे हो आप कराए मतलब इमपेश एक ही दिन में फुल सिलेबस पढ़ा दे पॉसिबल थोड़ी ना है <laughs> है ना आपको ऐसा लगता है कि क्लास आके लेनी इस वक्त पूरे एक क्लास के पीछे आप इमेजिन करो कि पूरे लगभग आपके दस लोग हैं जो एक क्लास के पीछे काम कर रहे हैं इस वक्त तो आपको यह समझ में आएगा लर्नर बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं उसको इम्पलसिवली रियक्ट करना ठीक है ना मिस अंडरस्टैंड कर लेना अब मैंने ऐसे बोला कि और जैसे मैं किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दू है ना और जुनेजा जी क्या हाल चाल है आपके <coughs> है ना और थोड़ा मैं मजाक कर दू उनसे तो जुनेजा जी ऑफेंड हो जाएंगे ऐसे कैसे आपने जुनेजा जी बोल लिया नाम है मेरा भैया भारतीय नाम है मेरा हो गई मान लो ऑफेंड तो मैं क्या करूंगी इमपेश होता है कभी कभी मिस इंस्टीट्यूट कर लेते हो आप क्या बोलना चाह रही थी कब, बच्चे तो होते उल्टा तो ले ही लेते हैं ना क्या बोलना था कैसे होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फोर एस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल हो सकता है अब कल्चरल तो मैंने आपको बता दिया एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपका बना था कल्चरल बैरियर से भी लिख दिया है मैंने इस पी में याद रखेंगे इंटरनल बैरियर जो होते हैं ना कल्चरल बैरियर को इंटरनल बैरियर भी बोलते हैं है ना इंटरनल बैरियर्स भी बोलते हैं साथ ही साथ साइकोलॉजिकल बैरियर को भी इंटरनल बैरियर्स बोलते हैं ये इंटरनली चल रहा है चीज़ें अच्छा पूरी क्लास में मैंने बहुत सारे बैरियर्स हैं आपको और कुछ ऐसे बैरियर है साइकोलॉजिकल you know, भी है मैकेनिकल भी, भी है तो ये ये ऐसे कैसे ऐसा होता है तो आपको डरने की बात नहीं है ऐसा होता है जो हमारे चार्ल्स पियर्स थे मैं पियर्स लिख देती हूँ पियर्स ट्राई एडिक मॉडल दिया था क्या दिया था अब ये ना कल हो सकता है दिसंबर ये जून के एग्जाम में डिटेल में आ जाए किसी शिफ्ट में तो इसलिए पढ़ लो ट्राई एडिक मॉडल दिया था इनका एक्चुअली क्या था इन्होंने काम किया था सिमियोटिक कम्युनिकेशन के ऊपर अब बताओगे सिमियोटिक कम्युनिकेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूं जो भी कम्युनिकेशन साइंस को लेकर होते हैं साइंस सिंबल्स, इसको समझना और आप कम्युनिकेट ये जो साइन और सिंबल, आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सेमियोटिक कम्युनिकेशन ठीक है याद रखिएगा अब सेमियोटिक कम्युनिकेशन में इन्होंने ट्राई मॉडल दिया था ध्यान से देखेगा हम एक ट्राइंगल बना देंगे ठीक है यहां बीच में लिखते हैं साइन अब सबसे पहला जो इसका कोना है ना इसको बोलेंगे प्रिटेंट ठीक है समझना इंटरप्रिटेंट को ही सिग्निफाइड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्निफाइड इंटरप्रिटेंट और या तो फिर सिग्निफाइड ठीक है इसका दूसरा कोना जो है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट अभी हर एक को एक्सप्लेन करूंगी इसलिए टेंशन मत लेना पहले समझो ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंट ठीक है इसका तीसरा कोना जो है इसको कह, ये कहलाता है सा, साइन बोलो या फिर है ना इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटा देखो अलग अलग नाम है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा रिप्रेजेंटा या फिर सिग्नीफायर ये सिग्निफायर टर्म को याद रखना ठीक है ये तीन कोने पता चल गए इसलिए इसको ट्राई मॉडल बोला गया अब हर एक को समझेंगे हम लोग होता क्या है हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफायर से ठीक है सिग्नीफायर मतलब ही होता है साइन ओके सिग्निफायर मतलब क्या होता है साइन अब सिग्निफायर जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो यहां पर ये स्टॉप का सिग्नल ये जो साइन है ये बना हुआ है ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा रोड पे जब आप चलते हो ट्रैफिक सिग्नल कहीं होगा तो इस टाइप का ऑक्टागोनल शेप बना होता है ये ऑक्टागोनल ही है ना ऑक्टागोनल अष्टभुजा बोलते हैं अष्टभुजा ही बोलते हैं यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया हाँ सही है ऑक्टागोनल शेप में ऐसा स्टॉप टाइप का साइन आपको दिखता है इसको बोला जाता है साइन ठीक है ये जो है ना कोई भी रूप ले सकता है ये साइन जो है ये कोई भी रूप ले सकता है जैसे कि कोई साउंड का रूप ले ले कोई जैसे आपको कोयल की आवाज आती है कू कू तो ये क्या है दिस इज साइन ओके साउंड का रूप ले ले या फिर कोई पिक्चर का रूप ले ले इमेज का रूप रूप ले ले ये, या फिर कोई पेंटिंग का रूप ले ले सो ये जो है साइन कहलाता है ठीक है रिप्रेजेंटा मैन सिग्निफायर जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ये स्टॉप का जो साइन है इंटरप्रिटेंट ठीक है इंटरप्रिटेंट यानी कि सिग्निफाइड सिग्निफाइड मतलब क्या होता है द सेंस मेड ऑफ द साइन आप क्या सेंस बना रहे हो इस साइन को देखकर ठीक है द सेंस साइन तो इस स्टॉप के साइन को देखकर आप क्या सेंस बनाते हो कि हाँ भाई हमको रुकना है ये हमने सेंस बनाया इस साइन को देखकर हमें यह समझ में आया कि हमें रुकना है ठीक है तो ये क्या है सिग्निफाइड है इंटरप्रिटेंट हम इस साइन को देखकर ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं आप सेंस निकाल रहे हो सकता है कि किसी और कल्चर में इसको कोई और ही समझते होंगे नेवर नो किसी और कल्चर में दुनिया के किसी और कल्चर में कहीं किसी कोने में इस साइन को देखकर कुछ और ही कोई समझे सो so, दिस कि हम किसी साइन को देखकर क्या सेंस निकाल रहे हैं वो इंटरप्रिटेंट या सिग्निफाइड कहलाता है ठीक है तो सिग्निफायर सिग्निफायर को देखकर हमने सेंस निकाला दैट इज सिग्निफाइड इस वर्ड को याद रखना ठीक है अब आता है ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंट इसका मतलब ये है जो आप एक्ट करते हो ठीक है एक्ट और एक्शन मतलब आपने सेंस निकाला कि हाँ ये स्टॉप का साइन मतलब होता है रुकना कहीं रुकने के लिए बोल रहा है और जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो यह क्या कर रहे हो आप एक्ट कर रहे हो यू आर एक्टिंग अपॉन दैट साइन सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंट समझ में आ गया सो so, ये चार्ल्स पियर्स का ट्राइल मॉडल था जिसमें सबसे पहला है सिग्निफायर यानी कि साइन कोई भी साइन ले लो आप किसी भी फॉर्म में ठीक है जैसे कि आपने किसी विसिल की आवाज सुनी है ना ट्रैफिक जो होते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो विसिल की आवाज निकालते हैं ओके okay? तो आपने जो है उसको ये साइन है फिर आपने उस साइन का सेंस क्या निकाला दैट इज इंटरप्रिटेंट या फिर सिग्निफाइड कि भैया मतलब को रुकने के लिए बोल रहा है शायद ये मुझे जो ये सिटी रहा है ये रुकने के लिए बोल रहा है ठीक है फिर आपने क्या किया रुक गए ब्रेक लगा ली गाड़ी में सो दैट इज ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंट एक्ट या फिर एक्शन ये एक है ट्राई मॉडल जिसको याद रखना अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया पर मुझे पूरी गारंटी लगती है कि जून एग्जाम में आ सकता है अब इसी के बेस पे पियर्स ने तीन टाइप के सिग्निफायर बताए क्या बताए थ्री टाइप्स ऑफ सिग्निफायर सिग्निफायर यानी कि साइंस जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है साइंस कितने टाइप के साइंस होते हैं अब इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है ध्यान से सुनना नहीं तो समझ में नहीं आएगा सबसे पहला जो होता है यहां ध्यान से देखो सबसे पहला होता है एक मिनट आइकन हम बोलते हैं आइकन देखो भाई ये जो आइकन होता है ना ये वो साइन है जो एक्चुअली में रियल इमेज को दिखाता है जैसे कि आपने ऐसा पेड़ बना हुआ देखा किसी में ठीक है कहीं पिक्चर में आपने ऐसा पेड़ बना हुआ देखा तो आपको भी पता है कि ये जो इमेज आपको दिख रही है ऐसा ही ट्री दिखता है बिल्कुल सेम टू सेम ठीक है इसको क्या बोलेंगे आइकन, ओके okay? मतलब जो भी पिक्चर में आपको दिख रहा है वॉट एवर पिक्चर इट इज इट एक्चुअली रिजेंबल्स द रियल पिक्चर जो रियल में रियल uh, पिक्चर नहीं बोलना चाहिए जो रियल real है रियलिटी है उसको ये रिजेंबल कर रहा है ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे आइकन इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन बने हुए होते हैं क्योंकि रियलिटी में वो वही होता है जैसे कि आप यहां देखो आइकॉनिक में एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कैट का तो कैट ऐसा ही दिखता है ना एक्चुअल में सो so इसे क्या बोलेंगे आइकॉनिक साइन याद रखना इसे क्या बोलेंगे आइकॉनिक साइन सो पिक्चर एनी पिक्चर रिप्रेजेंट द रियल थिंग दैट पिक्चर आइकन, फिर दूसरा होता है दूसरा होता है इंडेक्स इंडेक्सिक ये साइन कौन सा होता है जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये आग और धुएं की कहानी यहां पर भी आ गई है देखो वेस्टर्न वालों ने छोड़ा नहीं आग और धुएं का साथ तो अगर आप कहीं पे स्मोक देखते हो तो आपको क्या होता है पता कि यहां पक्का फायर होगा ठीक है यहां पक्का क्या होगा फायर होगा आग लगी हुई होगी तो स्मोक क्या है दिस इज इंडेक्सिक साइन जैसे आपने डार्क क्लाउड देखा काले बादल दिखे आपको क्या दिखे काले बादल तो आपको पता है कि यहां पक्का बारिश होगी ही होगी रेन होगा ही होगा सो वॉट इज डार्क क्लाउड डार्क क्लाउड क्लाउड इज इंडेक्सिक साइन ठीक है, जैसे मैं बताती हूं कहीं आपको फुटप्रिंट दिख जाए जैसे कि बिल्ली का फुटप्रिंट आपको दिख जाए अभी यानी हंसना नहीं यार ठीक है मेरे डिजाइन पे तो ये आपको कहीं पे फुटप्रिंट दिखा तो ये जो फुटप्रिंट दिखा है ये क्या है दिस इज इंडेक्सिक साइन मतलब इसके एक्चुअल फुट के होने का मतलब कैट के फुट के होने का ये साइन बता रहा है कि यहां पे पक्का बिल्ली जो है यहां से गई है गुजरी हुई है तो ये जो फुटप्रिंट आपको दिख रहा है ये क्या है इंडेक्सिक साइन ओके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं सो so, इससे समझना कि जो इंडेक्सिक साइन है ना ये एक्चुअली में एविडेंस दे रहा है एविडेंस ऑफ एनी मतलब ऑफ एनी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट बीइंग रिप्रेजेंटेड मतलब उस ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट का हमको एविडेंस दे रहा है वो तो ये क्या कहलाता है इंडेक्सिकल साइन अब देखो इंडेक्सिकल साइन में देखो जैसे कैट का पूप दिखा पॉटी होती है ना कैट की उसको पूप बोलते हैं तो कैट के पूप को आपने देखा समझ में आ गया यहाँ पे पक्का बिल्ली यहाँ पे आजू बाजू ही है या फिर बिल्ली के बाल दिख रहे हैं आपको कहीं पे सोफे पे दिख गया या किसी के घर में आपको दिखा मान लीजिए आपको बिल्ली नहीं देखी है लेकिन जैसे ही आपने एंट्री मारी उसके घर में और सोफे पे बैठ गए तो वहां आपको बिल्ली के बाल दिखे तो वो जो बिल्ली के बाल दिखे है ना दैट इज इंडेक्सिकल साइन मतलब ये एविडेंस दे रहे हैं आपको कि वहां पे कैट है कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपको अभी कैट दिखा नहीं है पर यू आर are... बोलते ना एविडेंस आपको दिख गया आप अंदाजा लगा रहे हो कि यहाँ पे पक्का कैट होगा ठीक है सो दिस इज इंडेक्सिकल साइन अब लास्ट में आते हैं सिंबॉलिक साइन में जो सिंबॉलिक साइन है ना याद रखना दोस्तों मेरे प्यारे लर्नर्स सिंबॉलिक साइन ऐसा साइन है जिसको आपको लर्न करना पड़ता है ठीक है ये कोई आपको अंदाजा नहीं दे रहे हैं दिस शुड बी लर्न जैसे कि अल्फाबेट्स एग्जाम्पल में क्या हुआ अल्फाबेट्स अब आपको अगर कोई ए लिख के बताए बी लिख के बताए तो भाई ये तो आपको पढ़ाया गया है आपको पढ़ाया गया है आप कोई अब कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं निकालोगे है ना हम बच्चे कई बार पूछते हैं कि मम्मी कैट का स्पेलिंग सी ए टी ही क्यों होता है बेटा तुझे यही पढ़ाया गया है पढ़ना ही पड़ेगा सो so ये क्या है सिम्बॉल्स है कोई अब इसमें लॉजिकल कनेक्शन नहीं है दिस इज लर्नड कनेक्शन मस्ट बी लर्न ठीक है सो ये जो है जो भी आपको आए जो जो भी सिम्बॉल पढ़ाया जाता है पढ़ना ही पड़ता है सो दैट इज अल्फाबेट्स हुआ या फिर नंबर हुए या फिर कोई भी लैंग्वेज ठीक है वो आपको पढ़ाया जाता है so, वो क्या बन जाते हैं सिम्बॉलिक साइन ठीक है sign, याद रखिएगा जैसे कि सी ए टी कैट लिखा है तो ये आपको अभी कैसे पता है कि जिसे सी ए टी कैट क्योंकि आपको पढ़ाया गया है अब अगर मैं चाइनीज में कुछ यहाँ लिख दू मुझे चाइनीज आती नहीं है मैं कुछ भी लिख रही हूँ प्लीज आई एम सो सॉरी किसी के अगर इमोशंस को आहत पहुंच रही है तो मतलब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया ठीक है समझ लो कुछ भी समझ लो अब जो चाइनीज होगा वही समझ सकता है ये उसके लिए ये सिम्बॉल है क्योंकि उसने चाइनीज पढ़ा है ठीक है उसके लिए ये क्या है सिम्बॉलिक साइन है वो जानता है इसको तुम नहीं जानते हो कि तुमने नहीं पढ़ा है ठीक है सो दिस इज सिंबॉलिक साइन So I hope आपको समझ में आ गया होगा तीन टाइप के सिग्निफायर होते हैं यानी कि साइंस होते हैं याद रखिएगा सबसे पहले आइकॉनिक जो कि जो पिक्चर में दिखाया गया है वही रियलिटी में होता है दूसरा है इंडेक्सिकल यानी कि किसी चीज का वो एविडेंस दे रहा है किसी ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट के होने का वो साइन जो है एविडेंस दे रहा है और सिंबॉलिक यानी कि ऐसे साइंस जो आपको पढ़ाए जाते हैं लर्न कराए जाते हैं ठीक है दैट इज सिंबॉलिक आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले चार्ल्स चार्ल्स पियर्स पियर्स का मॉडल ये कम्युनिकेशन से को जोड़ा जाता है इसको याद रखेगा इनका नाम को याद रखेगा सिम्योटिक कम्युनिकेशन से इनको जोड़ा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में ये सब समझाया था और ये तीन टाइप के सिग्निफायर यानी कि साइंस दिए थे आइकॉनिक इंडेक्सिकल सिंबॉलिक कल्टीवेशन थ्योरी को समझेंगे पहले तो ये जानेंगे कि कल्टीवेशन थ्योरी दी किसने थी ठीक है कल्टीवेशन थ्योरी देने वाले का नाम था जॉर्ज गर्बनर ओके जॉर्ज गर्बनर जर्बनर जैसा बोलना है बोलो समझ में आ जाना चाहिए आपको ठीक है तो जॉर्ज गर्बनर ने इंट्रोड्यूस किया था कल्टीवेशन थ्योरी इन नाइनटीन एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कल्चरल इंडिकेटर प्रोजेक्ट जिसमें वो एग्जामिन कर रहे थे कि टेलीविजन जो हम टेलीविजन देखते हैं ना तुमको पता है टाइम पे टेलीविजन सबसे ज्यादा बूम पे था है ना सबके यहाँ टेलीविजन इंडिया में तो खैर थोड़ा लेट ही आया था पर अगर वेस्टर्न कल्चर देखे तो वहां टेलीविजन आ गया था और कोई भी चीज जब नहीं आती है ना तो लोग बहुत ज्यादा उससे इंगेज हो जाते हैं जैसे कि अभी सोशल मीडिया आ गया तो आप देखो टेलीविजन तो लोग कम देखते हैं पर सोशल मीडिया देखते हैं ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं तो ये सारी चीजें समझो कि आप पूरा मास मीडिया सोशल मीडिया सब ले लो और उसका इन्फ्लुएंस जो है व्यूअर्स पे उन्होंने देखा था खैर उनके टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं तो उन्होंने टेलीविजन का इन्फ्लुएंस देखा था व्यूअर्स पे ठीक है जॉर्ज गर्बनर नाम था नाम याद रखेगा अब कल्टीवेशन थ्योरी बोलती क्या है कल्टीवेशन थ्योरी ये बोलती है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज रखते हो मीडिया से उतना ही ज्यादा आपका जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू द मीडिया बन जाएगी जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली आपका भी सोचने का तरीका बन जाएगा और इवन आप करने भी वैसे ही लग जाओगे अपनी लाइफ में ठीक है तो कल्टीवेशन थ्योरी ये होल्ड करती है दैट लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू मीडिया शेप्स हाउ द कंज्यूमर ऑफ मीडिया परसीव द वर्ल्ड एंड कंडक्ट दमसेल्स ठीक है साथ ही साथ कल्टिवेशन हाइपोथिस ये स्टेट करी कि जितना ज्यादा जो लोग टेलीविजन देखते हैं ना मोर टेलीविजन पीपल वॉच मोर लाइकली दे आर टू होल्ड अ व्यू ऑफ रियालिटी दैट इज क्लोजर टू टेलीविजन डिपिक्शन ऑफ रियालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है कि हम जो जिस रियलिटी में जी रहे हैं आपको भी पता है कि टेलीविजन में जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है है ना वो सब काल्पनिक है और देखना कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले वो एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं कोई भी सीरियल स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं वो कि ये सब कल्पना के पात्र है लेकिन वो डिस्क्लेमर लोगों को समझ नहीं आती है वो जितना ज्यादा एक्सपोज रहते हैं ना ये मीडिया से क्या होता है कि उस टेलीविजन में जो रियलिटी दिखा रहे हैं ना उसी को वो रियलिटी समझने लग जाते हैं मतलब टेलीविजन में रियलिटी नहीं दिखा रहे टेलीविजन में तो काल्पनिक चीज दिखा रहे हैं लेकिन जो कंज्यूमर है वो उसको रियालिटी समझने लग जाता है यही कल्टिवेशन थ्योरी की हाइपोथिस थी कि जितना ज्यादा लोग टेलीविजन देखते हैं जो जितना ज्यादा देखता है वो उतना ही ज्यादा टेलीविजन में दिखाई हुई चीजों को रियलिटी समझने लग जाता है और आपने देखा होगा जब बच्चे कार्टून देखते हैं ना जब बच्चे छोटे होते हैं आपने नोटिस किया होगा कार्टून बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो सारी चीजों को ऐसे ही रंगीन देखते हैं प्रिंसेस बन जाएंगे है ना एलिस इन वंडरलैंड में ये प्रिंसेस में वो प्रिंसेस लड़के भी थोड़ा सा वो क्या स्टार वॉर्स आता है और पता नहीं क्या क्या जो भी आते हैं वैसे अपने आप को समझने लग जाते हैं स्पाइडरमैन समझने लग जाते हैं तो ये क्या है दिस इज अगेन कल्टीवेशन थ्योरी ने यही बात बोली थी कि आप जो टेलीविजन में दिखाई गई चीजें उसको रियलिटी समझने लग जाते हो और एक रिसर्च स्टडी ने ये एग्जामिन तक किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई इमिग्रेंट है ना इमिग्रेंट होते हैं जो लोग जाते हैं दूसरे देश में बसने के लिए एनआरआईज होते हैं तो इतना ज्यादा मीडिया का अफेक्ट होता है कि जब वो इमिग्रेंट जाते हैं दूसरे कंट्री में दूसरे होस्ट कल्चर को अपनाने के लिए तो उनकी सोच जो है वो पूरी की पूरी मीडिया इन्फ्लुएंस्ड होती है जो मीडिया में उस कल्चर के बारे में बताया गया है वो उसी तरह से उस कल्चर को एक्सेप्ट करती है मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम सबको पता है कि इन 90s और टू थाउजेंड के एज में अमेरिकन ड्रीम्स है ना सभी एक एक ये ना एक वो बन गया था कि अमेरिका में जाएंगे वहां बसेंगे अमेरिकन ड्रीम्स करके फेमस था कि सबके सब वहां जाएंगे एक लैविश लाइफ होगी हमारी मस्त गाड़ी बंगला होगा एकदम मजे में छुट्टी बिताएंगे हॉलिडे लाइफ होगी हमारी ये क्या है ये मीडिया ने ही तो ये पिक्चर बनाया अमेरिका का समझ रहे हो अमेरिका ने इसको सॉफ्ट पावर भी बोलते हैं एक और मैं टर्म आपको बता देती हूं इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं याद रखना देखो एक हार्ड पावर होता है जो मिसाइल्स और गन आर्म जित जिन, जिन लोगों के पास होता है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं ठीक है और एक सॉफ्ट पावर होता है जो कि मीडिया पे उनका पावर बन जाता है तो अमेरिका ने ये सबसे बड़ा खेल खेला था कि उन्होंने मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था और सब जगह ना अमेरिका का एकदम कलरफुल पेंट किया गया कि अमेरिका में ये चीजें अमेरिका में बहुत रिच हो जाते हैं ये है वो है तो हम लोग क्या हो गए जब यहां के लोग अमेरिका की तरफ भागे या कैनेडा की तरफ भागे तो क्या हुआ उनके कल्चर को उन्होंने मीडिया के अकॉर्डिंग ही अपना लिया कि यस दिस अभी मैं छोटी जगह से बड़ी जगह पे आया हूं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपने रूट को छोड़कर अगर आप कहीं जाते हो तो यू आप कहीं के नहीं रह जाते हो दिस इज द रियलिटी लेकिन उनको पता नहीं है क्योंकि मीडिया ने जो चीज बताई है उसी को वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है थीके? समझ में आया आपको तो कल्टिवेशन थ्योरी जो है इंटेलेक्चुअल पावर को भी सॉफ्ट पावर बोल सकते हैं जो ही इंटेलेक्चुअल पावर सॉफ्ट पावर होता है आप मीडिया पे जो अपना एक कलरफुल पेंट कर देते हो अपने बारे में जैसे देखो पेरिस पेरिस के बारे में क्या बोला जाता है हर लवर के लवर्स uh, पॉइंट है ये अगर अपनी इच्छा पूरी करनी है तो वो आईफिल टावर के सामने प्रपोज करो देन यू विल बी लाइक सोलमेट बन जाते हो वॉट इज दिस ये पेरिस ने अपनी टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक सॉफ्ट पावर का यूज किया ठीक है सो दिस इज द थिंग तो कल्टीवेशन थ्योरी आपको समझ में आ गया अब हिंदी में ना इन लोगों ने ट्रांसलेट देखो कैसे किया है खेती सिद्धांत <laughs> खेती सिद्धांत अब बेचारा हिंदी भी क्या करे वो तो इंग्लिश का टर्म है कल्टीवेशन तो उसने तो हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट किया बाकी जो मेरे हिंदी के लर्नर्स है मैंने आपको हिंदी में समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम जाते हैं एक और नया गवर्नर ने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कल्टीवेशन थ्योरी से रिलेटेड इसको कहते हैं मीन वर्ल्ड सिंड्रोम ठीक है मीन वर्ल्ड मीन वर्ल्ड मतलब क्या हुआ मीन वर्ल्ड मतलब होता है कि सेल्फिश दुनिया है तो अब इसमें क्या है कि जितने लोग मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं जितना ज्यादा वायलेंट कंटेंट देखते हैं है ना सावधान इंडिया है ना ये सब देखेंगे इंडिया मोस्ट वांटेड ऐसे ऐसे जब जो सीरियल्स या जो कंटेंट को देखा जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा अपने चारों तरफ की दुनिया को डेंजरस समझने लग जाते हैं ठीक है उनको ऐसा लगेगा कि हर तरफ खतरा है है ना आप देखना आप नोटिस कर लो आप दो दिन साउथ इंडिया का एपिसोड देख लो दो तीन दिन देख लो लगातार में और आपको अब पूरी दुनिया ही ऐसा लगेगा कि आपको मारने के लिए आ रही है है ना आपकी दुश्मन बन गई है जो बेचारे डिलीवरी बॉय आते हैं हमारे घर में घुस के चोरी कर लेंगे ये क्या होता है दिस इज अगेन मीन वर्ल्ड सिंड्रोम है ये एक कॉग्निटिव बायस को बताता है bias. बायस हो हो जाते हो, उन सारे कंटेंट को लेकर आपको लगता है कि पूरी दुनिया डेंजरस है और ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी uh, होती है कि ऐसे लोगों को एंजाइटी हो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट तो बिल्ड ही नहीं कर पाते वो किसी पे भरोसा तो उनको किसी पे होता ही नहीं है पूरी दुनिया ही दुश्मन लग रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका आफ्टर इफेक्ट एंग्जाइटी होगी डिप्रेशन होगा समझ में आ रहा है इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सारे सीरियल्स उतना ज्यादा भी नहीं देखना चाहिए और यही थ्योरी ने ये बात बोली कि जो जितना कम देखता है ना ऐसे वायलेंट कंटेंट वो उतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना खुश रहने वाला इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है सब चीज को ऐसा नहीं कि यहां पर खतरा है वहां पर खतरा है इस टाइप से नहीं रहता सो दिस इज मीन वर्ल्ड सिंड्रोम ठीक है फिर आता है उन्होंने एक और दिया मेन स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट दिया मेन स्ट्रीमिंग मेन स्ट्रीमिंग क्या है ध्यान से समझेंगे अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी बताइएगा हाँ अभी मेन स्ट्रीमिंग क्या है जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों बोलते हैं हम लोग क्योंकि देखो अब मीडिया का एक फंक्शन हो जाता है मेन स्ट्रीम क्या करती है कि जब मीडिया एक पिक्चर बनाती है एक 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 नया परस्पेक्टिव देती है तो लोग जो जो ऑडियंस है आपको पता है कि सारे व्यूअर्स जो होते हैं जो ऑडियंस होते हैं वो एक डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं हर अलग अलग कल्चर से आए लोग हैं तुम लोग भी जितने लोग अभी लाइव हो सारे के सारे तुम लोग सब डाइवर्स कल्चर के हो कोई किसी स्टेट से है कोई किसी रिलीजन से है कोई किसी लैंग्वेज से है कोई किसी गांव से है गांव का अपना ही कल्चर है कोई अपने शहर तो क्या है डाइवर्स बैकग्राउंड से है हम सारे लेकिन होता क्या है जब हम इस मीडिया अब मीडिया तो हर चीज़ को एक ही तराजू में तोलती है तो हम क्या है एक अपनी इंडिविजुअल individual, इंडिविजुअलिटी को छोड़कर एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं मतलब हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है कल्चरल डाइवर्स जो बैकग्राउंड है वो सब खत्म होने लग जाता है और हम सब एक ही तरीके से सोचने लग जाते हैं इसको कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग सो टेलीविजन व्यूअर्स जो जो डाइवर्स बैकग्राउंड के थे ना अब जो एक्सपोजर हो रहा है टू द सेम लेवल एंड इमेजेस किसी भी एक टॉपिक को लेकर सेम इमेज सारी मीडिया बता रही है तो हम उसी तरह से सोचने लग जाते हैं एक होमोजीनियस आउटलुक बन जाता है वर्ल्ड का होमोजीनियस अब तुम बोलोगे ये सही है या ये गलत तो मैं इसके ऊपर ये नहीं बोलूंगी क्योंकि तो कहीं कहीं पे ये सही भी है और कहीं कहीं पे ये गलत भी है क्योंकि अपनी डाइवर्सिटी को आपको भूलना नहीं चाहिए जो कि जैसे देखो एग्जाम्पल बता रही हूं हम इंडियन इतने ज्यादा डाइवर्स हैं हाँ अपनी डाइवर्सिटी को भूल चुके हैं पूरे के पूरे वेस्टर्नाइज हो चुके हैं है ना क्यों क्यों हो गए हैं क्योंकि मीडिया ने वेस्टर्नाइज कल्चर को मेन स्ट्रीम कर दिया था और हम सभी लोग वो देख देख के पूरे के पूरे वेस्टर्नाइज हो गए हैं अपने रूट्स को भूल गए हैं अपनी डाइवर्सिटी को भूल गए हैं तो यहां पे ये गलत है ठीक है तो लेकिन ये एक काम होता है मेन स्ट्रीमिंग का दूसरा आता है रेजोनेंस दूसरा कंसेप्ट जो इन्होंने दिया ना वो रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया अब रेजोनेंस मतलब क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कोई दुर्घटना घटी है ठीक है कोई बुरा ऐसा कुछ अनुभव हुआ आपके साथ बहुत बुरा और सेम बुरा अनुभव आपने टेलीविजन पे भी देखा है ना तो क्या होगा आप तुरंत अपने आप को उससे रिलेट करने लग जाओगे तुरंत और इसीलिए लोग जो है वो टेलीविजन में दिखाई हुई चीजों को रियलिटी समझने लग जाते हैं है ना तो जो जो भी जैसे कुछ वायलेंट सीन्स आते हैं टेलीविजन में अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपका जो वो बिलीफ है ना कि दुनिया डेंजरस है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और ज्यादा मजबूत हो जाती है तो इसी को कहते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस यानी कि आप अपने आप को उससे मैच करने लग जाते हो जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है सो रेजोनेंस इज द रिजेम्बलेंस ऑफ टेलीविजन नैरेटिव टू दूवर्स एवरी डे लाइफ और यही कारण है कि आज कल जो मूवीज बनती है वो क्या होती है जो रियल कुछ ट्रोमा से गुजरे होते हैं ना उसको वो ज्यादा दिखाना चाहती है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने, लोग जो है, अपने आप से रिलेट कर पाएंगे तो मूवी जो है वो सुपर हिट हो जाएगी ब्लॉक बस्टर हो जाएगी समझ में आया तो ये रेजोनेंस की आ, मतलब ये कल्टिवेशन थ्योरी के ही पार्ट्स है मेन स्ट्रीमिंग रेजोनेंस मीन वर्ल्ड सिंड्रोम एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग पढ़ेंगे हॉट मीडियम एंड मीडियम पर उससे पहले मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाती हूँ कि कौन थे जिन्होंने इसके ऊपर बात करी थी देखो मीडिया को समझने के लिए एक किताब है जी द एक्सटेंशन ऑफ मैन जो कि 1964 के अंदर आई थी आप ये भी कह सकते हैं कि मार्शल मैक ल्यूहान ये एक भैया राइटर है जिन्होंने मीडियम के ऊपर बहुत बात करी थी जिन्होंने मीडिया के ऊपर बात करी थी आगे आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली इनका नाम पूछा जा सकता है तो मार्शल मैक ल्यूहान इनका नाम है और इनकी किताब का नाम था द एक्सटेंशन ऑफ मैन 1964 के अंदर इन्होंने मीडियम के बारे में बात करी थी देखो इन्होंने ऐसा बोला था कि जो कंटेंट है है ना जो कंटेंट आपको कोई भी मीडिया प्रोवाइड करता है उस कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से मीडिया पर वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अब इमेजिन करिएगा कि मैं आपको एक पॉडकास्ट देकर आप लोगों को ऑडियो नोट्स दे रही हूँ ऑडियो में आप लोगों को चीजें समझा रही हूँ ठीक है और दूसरी जगह यहाँ पर मैं वीडियो बना के वॉडकास्ट के जरिए वीडियो बनाकर अपने एक्सप्रेशंस के साथ में अपने हाथ यूज करके पीपीटी डिजाइन करके इस तरीके से यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगेगा कंटेंट तो मैं वहां पर भी सेम ही डिलीवर करूंगी यहाँ पर भी सेम ही डिलीवर करूंगी पढ़ाऊंगी सेम ही बट स्टिल आपको पता है ना कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मैम वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है पॉडकास्ट सुनने में इतना मजा नहीं आता है सॉरी पॉडकास्ट सुनने में इतना मजा नहीं आता है, है ना बच्चे कभी कभी बोलते हैं मैम पेड़ क्यों लेना है क्योंकि पेड़ में मैं पर्सनली उनके लिए जो है वो अवेलेबल हूँ जितने भी एजुकेटर्स है वो अवेलेबल है हमेशा हम कनेक्टेड रहते हैं हम बात कर सकते हैं कभी भी डाउट ले सकते हैं है ना यूट्यूब पे भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ वहां पे भी मैं कंटेंट ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे कूल मीडिया की डेफिनेशन कुछ और हो जाती होगी या मैं पेड़ वाले बच्चों को कुछ खास ही बता रही होती होंगी बट डिफरेंस किसका है कंटेंट का नहीं डिफरेंस है मीडिया का मीडिया का एक लेवल कम हम दोनों के बीच में गैप हो जाता है ये चीज जो थी ये किसने बताई थी मार्शल मैक लुहान ने बताई थी कि ज़्यादा है है ठीक और इन्होंने ही इसके ऊपर बात करना स्टार्ट किया था इनके cool कितना participation ये create कर सकता है ये इसके किसी भी मीडिया को हॉट या कूल cool बोलते हैं इन्होंने ऐसे बोला था कि मीडियम जो है वो आप लोगों की सोसाइटी को है ना सोशल लेवल पर चीजों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और इसी वजह से रोल प्ले करता है मेन हमारे सोसाइटी के अंदर जैसे आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं ना न्यूज चैनल्स देखते हो न्यूज चैनल्स देखते हो अब आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ऐसे तड़कते भड़कती न्यूज हम लोगों को दिखाई जाती है हम वाकई में मूव हो जाते हैं है ना वाकई में उनकी भाषा बोलने लगते हैं है ना उनके माउथ पीस बन जाते हैं उन्होंने बोला पप्पू तो हम भी पप्पू बोल देते हैं उन्होंने बोला वाह वाह तो हम भी वाह वाह बोल देते हैं उन्होंने बोला ये खराब है तो हम भी खराब बोल देते हैं क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस वो हमको करता है कि हम लोग उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं उन्हीं के लहजा बोलने लगते हैं है कि नहीं है ऐसा तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर ये यह जो हॉट और कूल है इसका मतलब देख लो टेम्परेचर से या इमोशनल इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका जो मतलब है वो है डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन से किससे डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन से तो चलिए आइए एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ किसके बारे में हॉट मीडियम्स के बारे में जैसे कि आप लोग ये इमोडिकॉन देख सकते हो जी देखो इस जी के अंदर मैं हमेशा आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ ना कि पढ़ लो नहीं तो क्या करूंगी मैं एकदम फाइव की स्पीड है मेरे मोबाइल फोन में वाईफाई है भैया तगड़ा और मैं बिल्कुल यूट्यूब से निकल के ही आ जाऊंगी इस तरीके से किसी दिन पिटाई लगाने अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हाँ सही है ना किसी दिन मैं ऐसे ही आ जाऊंगी तुम्हारी पिटाई लगाने तुम्हारा होगा बेटा मेरे को पता चल रहा है सब इधर पढ़ाई छोड़ के जो तुम आईपीएल देखने में लगे हो ना मैंने किसी दिन इसी तरीके से डीपली घुस जाना है और आप लोगों की पिटाई करनी है अब ये जो सिनेरियो है इस सिनेरियो के अंदर आप लोग देख सकते हो कि पार्टिसिपेशन हाई है कि पार्टिसिपेशन लो है आप खुद सोच के देखना इतना ज्यादा पर्सनल टच राइट इतना ज्यादा पर्सनल टच जब आप सभी लोगों के लिए आ जाता है तो आपका पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली बहुत हाई है जैसे मम्मी ताने मारती है ना जब तुम सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो सारा दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हो तो मम्मी क्या बोलती है घुसी जा ना उसमें उसी में चले जा उसी में नहा ले उसी में धो ले उसी में खा ले उसी को खा ले आता है ना पीछे से मम्मी का ताना तो मम्मी को बता देना कि मम्मी वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट मीडिया और वी आर टॉकिंग अबाउट कूल मीडिया मम्मी मम्मी को भी बता देना कि देखो मैं क्या सही तरीके से समझाती हूँ आपको तो सीन ऐसा है हॉट मीडिया का मतलब होता है, hot है. Hot क्यों है? कर लेता है, है. है, है. एकदम अच्छे से आप लोगों को कोई कर लेता है इट डिमांड्स लिटिल इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर बिकॉज इट इज स्पून फीडिंग द कंटेंट इट इज स्पून फीडिंग द कंटेंट अब पार्टिसिपेशन इसके अंदर किसी भी एक यूजर का क्या है यूजर एंगेज है वन एंड चल रही है चीजें यूजर का कुछ पार्टिसिपेशन खास नहीं है इसके अंदर समझ रहे हो आप बस पढ़े पढ़े देख रहे हो आप बैठे बैठे सुन रहे हो बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हो आप एंगेज हो चुके हो कोई फिल्म है चल रही है आप देख रहे हो आपका क्या पार्टिसिपेशन है हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इसके अंदर पार्टिसिपेशन हॉट मीडिया के अंदर मिनिमल होता है बट एंगेजमेंट जो है वो आप लोगों का मैक्सिमम होता है ठीक है ना हॉट मीडिया मतलब जिसको जो कंप्लीटली आपको एंगेज कर ले जिसके अंदर पार्टिसिपेशन क्या हो मिनिमल हो क्योंकि हम यहाँ पर कुछ खास कर नहीं रहे हैं ये बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला सिनेरियो चल रहा है जब आप कोई मूवी देखते हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो है ना मूवी के अंदर आपकी फेवरेट हीरोइन छत से गिर रही होती है तो आप हाथ पकड़ के उसको छोड़ा नहीं सकते हो बचा नहीं सकते हो अब उसको गिरना है तो गिरना है वो गिर जाएगी कभी कभी मूवी देखते देखते हम इतना डीपली घुस जाते हैं ना मूवी के अंदर की है ना हमको पता होता है कि वो विलन है उसने मर्डर किया है पर हीरो पे एलिगेशन लग जाते हैं फिर हम सोचते यार हीरो को बचाओ हीरो को बचाओ तुम बचा नहीं सकते तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है अब हीरो को जेल होगी विलन जो है वो मजे करेगा गाना गाएगा पीछे नौरा फतेह नाच रही होगी उसके हम कुछ नहीं कर सकते समझ रहे हो <laughs> तो सीन ऐसा है ये जो होता है ये होता है हॉट मीडिया के अंदर हम पूरी एंगेज है उसके अंदर हम घुस चुके हैं स्टोरी के अंदर पर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो

है ना आप लोगों के हॉट मीडिया के क्या क्या फायदे हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक तो स्पेशलाइज होता है लीनियर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना सिंगल सेंस होता है और हाई डेटा ड्रिवन होता है है ना फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं डेटा बहुत ही ज्यादा प्रोवाइडेड होता है यूजर को जैसे कि आप लोग इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे ये जो व्यक्ति है इसके दिमाग पर पूरी तरीके से काबू कर लिया है ट्विटर इंस्टाग्राम फलाना ढिमकाना इन सभी चीज़ों ने पूरी तरीके से इसके दिमाग पर जो है वो काबू कर लिया है अब आप देख सकते हो कि इसका पूरा दिमाग भी इसी तरीके से चलता है इसको जीवन में और कुछ नहीं दिखता है फुल्ली एंगेज है ये है ना सारा सिनारियो जो है वो लाइक पे ड्रिवन है इसका अगर दो लाइक एक दिन के अंदर कम आएंगे तो बेचारे का हो सकता है कि हार्ट फेल भी हो जाए तो बिल्कुल एंगेज है मतलब भैया जो सामने दिख रहा है वैसे ही होता है कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा है ना जैसे होता ही है कभी कभी होता है यार कोई मन से वीडियो बनाया था इतने दिल से कंटेंट बनाया था वीडियो चला नहीं उठा नहीं बड़ा दुख हो जाता है बार बार जाके व्यूज चेक कर रहे होते हो कि अरे उठा क्या अरे दो बच्चों ने और देखा क्या कभी कभी ऐसा होता है है ना हो सकता है कि थोड़े दिनों में आपको हमारे कुछ टीचर्स ऐसे बनते हुए दिख जाए हो सकता है मैं भी ऐसे बनती हुई दिख जाऊँ पर उससे बचना होता है है ना हॉट मीडिया ज्यादा भी हमको अच्छा नहीं लगता है ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए

वहां पर इंफॉर्मेशन क्रिएट भी कर रहे हैं साथ ही साथ ठीक है जी बहुत सारे है जिसके अंदर यहाँ पर आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है और हमको बेटर लगता है जैसे कि टेलीफोन हो गया टेलीविजन हो गया सेमिनार हो गया कार्टून हो गया ये जो होते हैं नॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं मल्टीपल सेंस होता है डेटा इस पर कम दिया जाता है क्योंकि यूजर यहां पर क्या कर रहा होता है सेल्फ ड्रिवन चीजों पर चल रहा होता है ठीक है जी समझ में आया इस चीज़ को यूज़ करने के लिए यूज़र को ना इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना ज़रूरी है कूल मीडिया के खास तौर पर ये काम होते हैं कि इसे समझने के लिए हमें इसको चलाना आना चाहिए है ना हमको फ़ोन यूज़ करना आना चाहिए अब फोन रखा है बट फोन पर आप जब तक कोई नंबर डायल नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा टेलीविज़न है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है मतलब आपको पूरे के पूरे मीडियम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है तभी आपके लिए ये फ्रूटफुल रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे रही हूं नोट बना के इसको आप लोग अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये मिलेगा ध्यान दे से देखना अ मीडियम इज हॉट इफ इट एक्सटेंड्स ओनली वन सेंस हाईली डिफाइंड इंफॉर्मेशन एंड इनवॉल्व लो पार्टिसिपेशन एक्टिविटी वेयर इज ऑन द अ मीडियम इज कूल इफ इट इन्वॉल्व मेनी सेंसेज एट द सेम टाइम कैरीज इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं जी टेलीविजन जो है वो हॉट मीडिया नहीं है टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे चैनल्स होते हैं आप कौन से चैनल को देखते हो कौन से चैनल को सुनते हो कौन से चैनल के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले रहे हो यूजर का इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है जैसे कि मैंने आपको अभी न्यूज रिपोर्ट का एग्जांपल दिया था अब अगर न्यूज चल रही है समझ रहे हो एक जगह न्यूज आप देख रहे हो और एक जगह न्यूज आपके पापा देख रहे हैं नो ऑफेंस वाली बात बोल रही हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ आपके जो पापा हैं वो ज़्यादातर आप नोटिस करना हमारे न्यूज़ चैनल पर जो भी चीज़ें चल रही होती है ना हमारे जो बड़े लोग हैं वो उसको नाइनटी परसेंट ऑफ द केसेस में सही मान लेते हैं YouTube पे जो वीडियोस चल रहे होते हैं YouTube में कुछ भी दिखाया जाता है वो उसको सही मान लेते हैं क्योंकि उनके लिए वो डेटा है रॉ डेटा है फैक्ट है नहीं होता है कि WhatsApp पे रोज हमारे पास में एक हमारे फैमिली ग्रुप में एक आता है ज्ञान की बात YouTube का कोई वीडियो आता है हेवन का रास्ता ढूंढ लिया है एनडी टी ने है ना ऐसे <laughs> चाचा जी भूपा जी मामा जी पापा जी ये सब लोगों का काम होता है ऐसे मीडियम हम तक पहुंचाने का बट आप थोड़े वाइज हो क्योंकि आपको आज की यू you नो know, चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है आपको भी पता है कि बिहाइंड सीन कुछ और चल रहा होता है ये जो चीज़ बोल रहा है ये माउथ पीस के तौर पर भी बोल सकता है ज़रूरी नहीं है हम उन चीज़ को सपोर्ट करें हम थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर लगा सकते हैं हमारा एंगेजमेंट उसमें ज्यादा है टीवी पे आप कोई चीज देखते हो तो क्या आप लोग उसको फर्स्ट टाइम में ट्रस्ट कर लेते हो नहीं आप फटाफट जाते हो गूगल पे सर्च करते हो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हो आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होता है है ना आप सब कुछ एक बार में बिलीव नहीं कर लेते हो यानी कि यहाँ पर जो ये आप लोगों का टीवी है या ये जो मीडियम है इसमें यूजर का इंटरेक्शन या यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है सेंसेज ज्यादा लगती है इन्फॉर्मेशन वेग है फैक्चुअल नहीं है तो ये आप लोगों के लिए कूल cool मीडियम हो जाएगा इमसाइज इंफॉर्मेशन है कोई गारंटी नहीं है श्योर sure नहीं है आपके लिए श्योर sure इन्फॉर्मेशन कैसी होगी कि किसी किताब में कोई चीज लिखी है रेडियो पे आपने कोई चीज सुनी है. है ना ये सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रीसाइज है जैसे कि मैं डिफरेंस आप लोगों को बताती हूँ देखो हाई डेफिनेशन जो होती है चीजें वो कैसी होती है आप लोगों की हॉट मीडिया के अंदर आती है क्योंकि इसके अंदर सेंसेस कम लगते हैं देन अगर मैं आप लोगों से बात करू लो मीडिया की तो लो या कुल मीडिया की तो कुल मीडिया के अंदर जो एंगेजमेंट होता है वो मल्टीपल सेंसेस का होता है जब आप मूवी देख रहे होते हो और आप कार्टून देख रहे होते हो दोनों में डिफरेंस होता है ठीक है ना साथी साथ ही साथ साथ ही साथ यहां पर अगर मैं आप सभी लोगों को बोल दू यहां पर अगर मैं आप सभी लोगों को बोलू तो कार्टून जो है वो क्रिएशन में भी आता है काम में राइट right? देन आता है आपका लो पार्टिसिपेशन एंड हाई पार्टिसिपेशन डिफरेंस हॉट मीडिया कल्चरल एसोसिएशन के ऊपर काम करता है वेयर आप लोगों का जो कुल cool मीडिया है वो भी कल्चरल एसोसिएशन पर काम करता है बट डिपेंडेंसी कहां पर होती है कि जो आपकी नॉलेज ट्रांसफर हो रही है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में हो रही है अन स्पेशलाइज फॉर्म में हो रही है आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हॉट मीडिया में आप लोगों को दिए जाते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हो गई किसी भी एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के तौर पर बातें हो रही है वेयर एज अगर कूल cool मीडिया की बात करें तो ओरल आपके ट्रेडिशंस हो गए ठीक है बाकी सारी ये चीजें हो गई रेडियो फिल्म फोटो देखना ये सारी की सारी चीजें हॉट मीडिया होती है वेर इज स्पीच हो गया टेलीफोन हो गया टीवी हो गया कार्टून हो गया ये सारे के सारे आप लोगों के कुल मीडिया होते हैं ट्रेडिशनल मीडिया में ये सारे आते हैं याद रखिएगा ड्रामा स्ट्रीट थिएटर पपेट्री सॉन्ग स्टोरी टेलिंग डांस म्यूजिक पेंटिंग मोटिव एंड सिंबॉल्स देखो मोटिवस एंड सिंबॉल्स यानी कि क्या होता है जो हम आप लोगों ने देखा होगा ना घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है घर के बाहर आप अः कई जैसे नींबू मिर्ची लटका देते हैं वो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए रंगोली बनाई जाती है पॉजिटिव एनर्जी के लिए है ना हम ऐसा मानते हैं कि सब कुछ अच्छा हो आप क्रिसमस में देखो बहुत अच्छी से सजावट कर दी जाती है क्रिसमस ट्री की तो ये सब क्या है जानते हो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको भी बोल सकते हैं आप तो ये जो है ट्रेडिशनल मीडिया है क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है बरसों से चला आ रहा है और हम कई सिंबल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो दैट यस वी वांट पॉजिटिव एनर्जी ओके सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया एक एक करके समझते हैं सबसे पहले है ड्रामा बहुत अच्छे अच्छा आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा समझने की कोशिश करेगा अच्छा मजा भी आएगा और एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगा आपको कि अच्छा इतने तरह के ट्रेडिशनल मीडिया भी होते हैं तो देखो ड्रामा मतलब सभी जानते हैं अभी हिंदी वाई लर्नर प्लीज घबराना नहीं क्योंकि इसमें बहुत कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स है और मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ जैसे ड्रामा आप सभी जानते हैं कि लोग जो है थिएटर्स uh, में ड्रामा करते हैं और ये बहुत मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है अगर हम देखें तो कई बार परफॉर्मेंस के हेल्प से आप जो है लोगों की जो नॉर्मल हमारी जनता है उसके सफरिंग्स को उनके डेली वर्क को उनके फ्यूचर ड्रीम को या फिर कई बार माइथोलॉजी जो है पुरानी उन सबको लेकर ड्रामा किया जाता है अगर हम देखें ना तो आ, हर स्टेट में ना इसका अलग अलग नाम है थोड़ा सा आप याद रखिए कहीं भी सीटेट में भी आ सकता है ये किसी भी एग्जाम में आप नेट के अलावा भी कोई एग्जाम देते हैं उसमें भी आ सकता है तो सबसे पहले है तमाशा देखो भाई तमाशा जो है ये मूवी का नाम नहीं बोल रही हूँ तमाशा ये महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है तमाशा ठीक है इसमें क्या होता था ध्यान रखिएगा जो महाराष्ट्र के रूलर्स थे ना मराठा एम्पायर था तो उनके जो उनकी गुणगान करनी होती थी मराठा हीरोइज्म एंशियंट रूलर इन सबको दिखाने के लिए तमाशा किया जाता था ठीक है इसमें क्या था मेन जो एलिमेंट्स थे ना वो क्या थे एंटरटेनमेंट ट्रेडिशन था जो हमारे पुराने ट्रेडिशन चले आ रहे हैं प्रोपेगेंडा इसमें शामिल होता था लोगों को जब जब देश गुलाम था उस समय लोगों के अंदर ना जोश भरने के लिए भी तमाशा किया जाता था तो ये प्रोपेगेंडा था उनका कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि देखो भाई हमारे जो इंडिया के इतने मराठा एंपायर है जो राजा है वो किस तरह से लड़ रहे हैं क्योंकि पहले तो कोई न्यूज होता नहीं था या फिर व्हाट्सएप पे आता तो नहीं था मैसेज कि भैया देखो यहां पे ये लड़ाई हो रही है या यहां पर वो हो रहा है इसी के थ्रू बताया जाता था और डिवोशनल ट्रेडिशन भी होता था डिवोशन रहता था ऐसे ही अ, अगर हम नॉर्थ पे चले जाए यानी कि ज्यादातर यूपी साइड में नौटंगी होता है यूपी बिहार साइड में वहां लेकिन ये नौटंकी जो है ड्रामा है बट दिस इज ऑफन कंसिडर्ड एज बलगर थोड़ा सा वलगर होता है स्टोरीज होती हैं इसमें पर है नौटंकी ही जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा ही धूम धड़ाका पलसेटिंग ड्रम बीट्स है ना वो आपको पता है ना यूपी साइड के जो गाने होते हैं बिहार साइड के जो गाने होते हैं भोजपुरी गाने तो वो सबके बीच में जो नौटंकी की जाती है जो प्रदर्शन किया जाता है उसे नौटंकी कहते हैं और ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी रिलीजियस स्टोरीज uh, uh, को नहीं दिखाया जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा फिर आता है ख्याल ख्याल आता है ख्याल जो है वो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है ठीक है ख्याल जो है वो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है ये सॉन्ग डांस ड्रामा का एक फोक थिएटर है जिसमें जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही होता है ये भी और कुछ कम्युनिकेशन एक्टर्स के बीच में चल रहा होता है उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जो ड्रामा है ना उसमें डांस भी रहेगा गाना भी रहेगा और जो एक्टर्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा कहीं भी आ सकता है तमाशा नौटंकी और ख्याल फिर आता है स्ट्रीट थिएटर जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्ट्रीट थिएटर को ही नुक्कड़ बोलते हैं नुक्कड़ नाटिका और ये आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी शायद किया हो भैया हमने तो किया है बहुत और तुम लोगों को पता नहीं कहीं दिख भी जाता होगा चलते चलते इसमें ज्यादातर ना सोशल मैसेजेस बहुत ज्यादा दिए जाते हैं जैसे कम्युनलिज्म को लेकर टेररिज्म को लेकर या पुलिस की एट्रोसिटीज है पुलिस बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है तो उसके ऊपर भी फिर जो आजकल पहले होता था दुल्हनों को जला दिया जाता था डाउरी सिस्टम था है ना कास्ट की जो इन इक्वालिटी है या इलेक्शन के टाइम पे भी नुक्कड़ नाटिका बहुत देख सकते हो आप इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्सप्लॉयटेशन पे जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको देखो नुक्कड़ नाटिका की एक सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि इसको है ना आप आ, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बन सकता ये है ना नुक्कड़ नाटिका की एक अच्छी बात यही थी कि इसको है ना कॉन्ट्रोवर्शियल कभी बना ही नहीं पाते थे लोग क्योंकि नाच गाने और बहुत ही लय में बैठ के सब लोग बोलते हैं ग्रुप में तो उसको तो हम कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बना सकते आपने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो बना दिया जो कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है पर नुक्कड़ नाटिका में एक बहुत अच्छी बात यही होती है और इसी को इसी टेक्निक को ज्यादातर लोगों ने यूज किया था पुराने टाइम में ठीक है तो इलिटरेसी को लेकर फीमेल फिटिसाइड को लेकर जो बच्चे जो पैदा होते हैं लड़की होती है तो उसको मार देते हैं राजस्थान में बहुत देखा जाता है इवन uh, साउथ में भी है ये बहुत ज्यादा तो ये सब चीजों को जागरूक करने के लिए ना लोगों को नुक्कड़ नाटिका के हेल्प से जो है कम्युनिकेशन किया जाता था ठीक है उसके बाद आता है पपेट्री पपेट्री जो है वो सभी जानते हो आप कठपुतली बोलते हैं हिंदी में तो कठपुतली के डांस होते थे ये जनरली ऐसे ग्लव पपेट है स्ट्रिंग पपेट है रॉड पपेट है ऐसे यहाँ पे शेडो पपेट भी होता है ये तो मैंने खुद ही पहली बार सुना है शेडो पपेट भी होता है यानी कि परछाई से आप अः uh, कटपुतली का वो दिखाते हो डांस तो जैसे आप देख सकते हो ये ये जो है ना ये ग्लव पपेट कहलाता है ग्लव्स के हेल्प से फिर आपने ये तो देखा ही होगा स्ट्रिंग पपेट पता नहीं मैं जब ये स्ट्रिंग पपेट देखती हूँ ना तो मुझे जो है वो गाना था मुझे बहुत पसंद था तुम लोगों को पता नहीं पता, पता ही होगा वो फाल्गुनी पाठक का गाना था आ, मैंने पायल है छनकाई अब तो आ जा तू हर जाई सुना होगा गाना आप लोगों ने अभी मैं ये नया वाला वर्जन नहीं बोल रही हूँ तुमको पता है जिसने बिगाड़ दिया है मैं उनका नाम नहीं बोलूंगी मैं फाल्गुनी पाठक का बोल रही हूँ उसमें तुम लोगों को याद होगा वो स्ट्रिंग से ऐसे डांस दिखाती थी पपेट का है ना तो ये जो है ये भी एक ट्रेडिशनल मीडिया ही था कम्युनिकेशन का ठीक है सो ये ध्यान रखिएगा फिर है स्टोरी टेलिंग जो कि अभी भी होता है कथा की जाती है है ना पंचतंत्र की स्टोरी सुनाई जाती है रामायण कथा होती है महाभारत की कथा महाभारत का मेनली लोग हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं मानते पर गीता पाठ होता है है ना जो भगवत गीता है हमारी जो रिलीजियस बुक है इवन uh, अगर हम दूसरे रिलीजन में भी देखें तो क्रिस्चियंस में भी होता है मुस्लिम्स में भी होता है सो so, ये स्टोरी टेलिंग जो है इस किसकी मदद ली जाती है रिलीजियस बुक्स की मदद ली जाती है जो माइथोलॉजी है जो स्टोरीज है उनकी हेल्प से हम आने वाली जनरेशन को जो है सचिव राह में आपको कैसे जाना है उसका हेल्प लेते हैं और इसी में आता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हरी कथा हरी मतलब विष्णु जी है ना हरी उन्हीं को बोलते हैं विष्णु जी थे तो उनके या कृष्ण भगवान के भी जो बहुत सारे अवतार हुए मतलब विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं उनकी स्टोरीज कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हुई हैं वहां से आ, उनको कोरिलेट किया जाता है हमारी जो कलयुग की जो अभी की जो दुनिया है उससे कोरिलेट करके वो समझाते हैं तो दिस इज आल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन ओके फिर आता है ये जो मैं बोलने वाली थी यक्ष ठीक है ये यक्षगान देखो भाई इसको पता होना चाहिए जो साउथ के अगर हमारे लर्नर्स यहाँ पे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कहीं तो देखो कितने सारे तुम लोग बता रहे हो सत्यनारायण की कथा यस yes, पूजा वेरी गुड सत्यनारायण जी की कथा जो है वो भी वही है ठीक है तो आ, ये यक्षगान ना कर्नाटका में होता है जो दक्षिण कन्नड़ के लोग हैं इवन नॉर्थ वाले भी ये यक्षगान करते हैं और ये इसमें क्या है कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनेंगे मेकअप करते हैं मास्क लगाते हैं पूरा और हिंदू टेम्पल्स वाले जो है ना इनको मतलब बोलते हैं ना फाइनेंस करने का काम जो है वो हिंदू टेम्पल्स वाले हिंदू टेम्पल्स जो है वो करते हैं और इसमें भगवान की बहुत सारी जो लीलाएं हैं वो दिखाई जाती है अभी तुम लोगों ने तुम सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी कांतारा बहुत फेमस हुई है देखी भी होगी कई लोगों ने या नहीं देखी तो सुनी तो जरूर होगी है ना कांतारा देखी थी आप सभी लोगों ने तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से सब लोग बताओ अभी चैट सेक्शन में कि कांतारा में आ, क्या मतलब किसका वो फोक डांस था किस चीज के ऊपर था उसको क्या नाम था बताओ मुझे ये बता दू कि कांतारा में जो दिखाया है ना जिस उस मूवी में जो पूरा फोक डांस दिखाया है वो भी कोस्टल एरियाज में जो कर्नाटक में जो लोग रहते हैं ना कोस्टल एरियाज में वो लोग ये प्रथा को बहुत निभाते हैं तो अब मुझे बताओ कि जो कांतारा में दिखाया था वो कौन सा फोक डांस था ठीक है आज थोड़ा सा जीके वाली क्लास चल रही है पर बताओ अनुपमा बेंगलौर से तो वेरी गुड अनुपमा आप जरूर बताओगे कि कांतारा में नहीं पूज्य यक्षगान नहीं था वो यक्षगान नहीं था मुझे भी पहले यही लगा था कि जो कांतारा में जो वो जो ऋषभ शेट्टी जो हमारे एक्टर डायरेक्टर सब थे जो वो बने थे वो यक्षगान नहीं था वो था भूत आराधना याद रखिएगा उसका नाम है भूत आराधना ठीक है देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमको बताऊ मैं एक गवर्नमेंट जॉब में बैंक के गवर्नमेंट जॉब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांतारा मूवी में जो कैरेक्टर थे वो कौन सा कैरेक्टर किस चीज कौन से फोक डांस को प्ले कर रहे थे याद रखिएगा उसका नाम है भूत अराधना। भूत आराधना आराधना यानी कि जो डिवाइन स्पिरिट होते हैं ना उनको वो पूजते हैं वहां के लोग इस तरह से अपना जो बोलते हैं ना अपना डिवोशन दिखाते हैं ओके सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक जनरल नॉलेज की तरह है तो चलिए फिर इतना काफी है ट्रेडिशनल मीडिया को जानना एक नया नॉलेज आपको मिल गया कि वॉट आर द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन देखो भाई कम्युनिकेशन तो पुरातन जमाने से चला आ रहा है मतलब सोच भी नहीं सकते हो, उस टाइम से चल रहा है तो ये सारे तरीके थे कम्युनिकेशन करने के आजकल के तरीके तो तुम भी जानते हो सोशल मीडिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इंस्टा है टिकटॉक है सारे कम्युनिकेशन ही है सो दीज आर द नाउ मॉडर्न मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन सही आंसर दे रहे हो सबके सब देखो ध्यान से समझो सबसे पहले तो ये समझो कि सेमियोटिक अप्रोच होता क्या है देखो सीम्योटिक अप्रोच ना यूज ऑफ देखो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूं सिम्योटिक अप्रोच और जो मेरे हिंदी के लर्नर्स है ना बच्चों आप लोग थोड़ा सा बेटा आ, समझा देती हूं तो आप थोड़ा कीवर्ड को आ, ट्रांसलेट कर लेना ठीक है सेम्यूटिक अप्रोच यानी कि लाक्षणिक दृष्टिकोण यही लिखा है यस yes. ये क्या होता है स्टडी ऑफ सिंबल्स होता है ठीक है स्टडी ऑफ सिंबल्स सिंबल्स में क्या क्या आ जाता है जैसे कि लोगो आप किसी कंपनी का लोगो देखते हो या किसी भी चीज का लोगो देखते हो दैट इज सिम्यूटिक अप्रोच उसको समझने की कोशिश करते हो जैसे कि आप किसी कंपनी का लोगो देखते हो आप जब रॉल्स रॉयस कार का जब आप लोगो देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है मर्सिडीज का लोगो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये मर्सिडीज की कार है तो वो जो लोगो है ना वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है ऐसे ही साइंस साइंस होते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जब भी लेफ्ट साइन लगा हुआ है आप रोड पे चलते हो कितने सारे साइंस देखते हो आपको समझ में आता है आगे गहरी खाई है या आगे जो है अंधा मोड़ है है ना तो वो साइंस लगे होते हैं उससे आपको समझ में आता है दैट इज सिम्योटिक अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है सिंबल्स लोगो साइंस जेस्टर्स इन सब से कम्युनिकेशन हो रहा है सो so आपको इसको बोला जाता है सेम्योटिक अप्रोच अब जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूं अगर सिम्योटिक अप्रोच इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने देखा होगा जितने ग्राफिक डिजाइनर होते हैं है ना ग्राफिक डिजाइनिंग तो कोर्सेस भी होने लग गए हैं आजकल तो ग्राफिक डिजाइनर कोई कंपनी नहीं खड़ी हो रही है ठीक है कोई कंपनी नहीं आई है तो वो ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं कि कंपनी का लोगो बनाओ ठीक है ये लोगो तो आप जानते ही हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो किसी कंपनी की कि सिर्फ ये आई कैचिंग नहीं होना चाहिए लोगो ये नहीं कि सबको हाँ आकर्षित करे आकर्षित तो करे साथ ही साथ लोगों ऐसा होना चाहिए कि आपके कंपनी के बारे में वो समझाए कि कंपनी क्या कहना चाहती है कंपनी क्या बोलना चाहती है अपने आ, जो कस्टमर्स हैं उन लोगों से तो ये क्या चीज है सेम्यूटिक अप्रोच है अगेन सो so इसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई होती है समझ में आ गया सेम्यूटिक अप्रोच क्या है अब याद रखेगा स्टडी ऑफ सिम्बॉल्स जैसे आप अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दू तो आप लोग यूट्यूब पर देखते हो थमनेल्स कभी भी किसी भी वीडियो का थमनेल देखते हो वो थमनेल जब डिजाइन किया जाता है ना तो बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो भी एजुकेटर क्लास ले रहा हो वो थमनेल में अच्छे से लिखा हो सिर्फ लिखा ही ना हो वो आकर्षित भी करे ऐसा ना बच्चों को तुरंत बच्चे स्क्रोल करे और थमनेल देखते ही वो अः जो है यूट्यूब वीडियो देखने लग जाए तो वो थमनेल क्या कर रहा है थमनेल इज अगेन द सेमियोटिक बोलते ना सेमियोटिक कम्युनिकेशन कर रहा है ओके okay? सो so ध्यान रखना इसको तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि द दिम्योटिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन इंफेसाइज द मैन्युपुलेटिव पावर ऑफ द टेक्स्ट अभी मैंने वही बोला कि जो लिखी हुई बातें हैं उसको मैनुपुलेट करने का पावर जो है वो सीम्योटिक अप्रोच में है सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट टू थोड़ा सा मिलता जुलता सही है बट ठीक है चलो इट इज द आइडियोलॉजिकल अप्रोच दैट क्वेश्चन द बेसिक वैल्यू सिस्टम इन डिफरेंट सोसाइटीज इन ऑर्डर टू हेल्प सीक अ न्यू ह्यूमैनिज्म ठीक है देखो अब लोगों की बात हटा दो अगर साइंस और जेस्टर्स की बात करें तो साइंस और जेस्टर्स को आप डिफरेंट कल्चर से जोड़ सकते हो तो ये जो है ना एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच है वैचारिक दृष्टिकोण है ठीक है तो ये भी सही है स्टेटमेंट टू भी सही है सो so, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आई होप आपको आज सेम्यूटिक अप्रोच समझ में आ गया होगा टू स्टेप फ्लो जो है ना वो एक थियोरी है याद रखिएगा मैं आपको बता देती हूं क्या है इस थियोरी में आप लोगों ने देखा होगा ना आजकल न्यूज चैनल में क्या होता है न्यूज चैनल में जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो नोटिस क्या होगा आपने कि लीडर्स को बुलाया जाता है और उनको हम ओपिनियन लीडर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने ओपिनियन रखते हैं मतलब अब आजकल जो है कोई भी मैसेज को कोई भी आ, अगर फेनोमेना हो रही है या फिर पॉलिटिकल कुछ सिचुएशन ऐसी है और उस सिचुएशन को अगर हमें आ, जो हमारे ऑडियंस जो हमारी जनता है उस तक अगर बात को पहुंचाना है तो अब डायरेक्टली मास मीडिया नहीं आती है मास मीडिया क्या करती है उस कम्युनिकेशन को ओपिनियन लीडर्स के थ्रू पहुंचाती है किनके थ्रू पहुंचाती है ओपिनियन लीडर्स सो ये है हमारी मास मीडिया ठीक है और ये सारे ओपिनियन लीडर्स आपने देखा तीन चार पैनल बना दिया जाता है अब वो विचार विमर्श करते हैं डिबेट करते हैं तो ये जो ओपिनियन लीडर्स के थ्रू फिर हमारी ऑडियंस तक पहुंचती है कम्युनिकेशन कोई कुछ समझता है कोई कोई फॉर में समझता है कोई अगेंस्ट में समझता है क्योंकि तो अलग अलग टाइप की ऑडियंस है सो दिस इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी और इसमें मास मीडिया और ओपिनियन लीडर्स दोनों आते हैं ठीक है सो इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे uh, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे लिखा है रीडिस्कवर एजुकेशन ये ज्वाइन कर लीजिएगा वहां मैं पीडीएफ शेयर करूंगी अभी क्लास के बाद वहां पे ये जरूर रीड कर लीजिएगा व्हाट इज टू स्टेप फ्लो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन इट एक्चुअली एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मास मीडिया इंफ्लुएंसेज डिसीजन मेकिंग थ्रू ओपिनियन लीडर्स आपका डिसीजन मेकिंग जो है उसको इंफ्लुएंस कर देती है आपने देखा है किस तरह से मास मीडिया चुनाव जब आपका इलेक्शन आ रहा होता है तो पूरी गवर्नमेंट क्या बनेगी वो तक डिसाइड होने लग जाता है आजकल अब टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में आने ही वाला है चुनाव और अब आप देखना किस तरह से न्यूज चैनल जो है वो चालू कर देंगे है ना सो दिस इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी याद रखेगा ठीक है ना यूजली ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जैसा मैंने बोला सेम पॉइंट लिखा है साइमिलस फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये चीज आप याद रखिएगा देन आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि इंटरएक्टिव मॉडल की बात की जाए तो देखो यहां पर जो इंटर मॉडल है उसके अंदर एंगेजमेंट प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना यहाँ पर इनडायरेक्ट या फिर स्लो या फिर डिलेड जिसको हम बोलते हैं ना वो फीडबैक भी हो सकता है ठीक है जी सबको समझ में आ गया इंटरएक्टिव मॉडल ट्रांजेक्शनल मॉडल और जो जितने भी अभी मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आई I मीन mean, टाइप्स पढ़ाए हैं वो सब समझ में आ गए कि यहाँ तक एक बार एक थम्सअप हो जाए ठीक है अब आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे एक की वर्ड बताऊंगी जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा एटलीस्ट ये वाले मॉडल्स आपको याद रखने ही रखने हैं एरिस बर्लो शैनन वीवर स्क्रैम्स और हेलिकल अब देखो एरिस जो थे ना इन्होंने स्पीकर को मेन हीरो बना दिया था इनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसकी जो पावर है वो उसके स्पीकर के ऊपर होती है या जो सेंडर है उसके ऊपर होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने बोला कि देखो मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है ना वो मेन एंटिटी है वोट्स गैदर करने के लिए और जो इसके रेसिपियंट्स हैं वो पैसिव लिसनर हैं इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं ठीक है जी तो एरिस्टोटल मॉडल से हमें क्या याद आना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर ठीक है ना एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर जिनके बोलने में ऐसा इंफ्लुएंस हो कि भैया हाँ ये, ये आदमी अच्छे दिन लाएगा ये है ना तो हमको इससे ट्रस्ट हो जाता है ना मोदी जी आके कुछ भी बोलते हैं मित्रों भाई और बहनों बस हम फ्लैट हम फ्लैट राइट तो स्पीकर जिसमें मेन एंटिटी हो वो मॉडल एरिस्टोटल ने दिया था आपको याद रखना है स्पीकर जिसमें हीरो है वो एरिस्टोटल अगर मैं बात करूं, आप लोगों से, next type of model की, अगर आ जाए तो मोदी जी जाने नहीं दे रहे हाँ गॉड oh हाँ एरिस्टोटल मॉडल के अंदर देखो स्पीकर उसकी स्पीच जो ओकेजन है ऑडियंस पे उसका जो इन्फ्लुएंस है जो इफेक्ट है ठीक है ना ये सारी जो चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है ये एरिस्टोटल मॉडल से रिलेटेड है पैसिव पैसिव है listening passive है है Main entity कौन है Aristotle है मेन एंटिटी कौन सॉरी स्पीकर तो अगर मैं बात करूं कि मॉडल ठीक तो है बट तो इसके कुछ गलत बात भी हो सकते हैं गलत बात कैसी हो सकती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पैसिव लिस्निंग हो रही है यहाँ तो टोटली वन वे चल रहा है कम्युनिकेशन अब भाई लाइट्स कैमरा और एक्शन की जगह फिक्शन भी तो हो सकता है जो हमारे देश के आज हम बोलते हैं है ना रियलिटी हम बोलते हैं हम इस चीज को हमारे मास मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं जो देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं राइट right? तो लाइट्स कैमरा और एक्शन की जगह लाइट्स कैमरा और फिक्शन हो जा रहा है भाई फीडबैक कोई सुन ही नहीं रहा है ठीक है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर वन वे चल रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है देन आता है आप लोगों का कि यहां पर नॉइस या फिर जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझ में नहीं आ रहा है इनको लगता है जीवन में कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ ही नहीं सकता स्पीकर वही एंटिटी है वो बोल के निकल गया है बस खत्म बात ठीक है कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं भाई नॉइज होती है कुछ बोला कुछ और समझ लिया गया हो ऐसा भी तो हो सकता है ठीक है ये जो मॉडल है ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज किया जा सकता है ओनली एंड ओनली पब्लिक स्पीकिंग ठीक है देन अगर मैं बात करूं तो इससे बेटर मॉडल आया जो क्या था बर्लो हाँ एरिस्टोटल मॉडल आया था सर बिल्कुल ठीक फिर आए बर्लो जी और बर्लो जी का मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है बड़ा यूनिवर्सल मॉडल है बढ़िया इसको यूज किया जाता है इसको क्राम्स के मॉडल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो मैथमेटिकल मॉडल है और ये एसएमसीआर मॉडल है एसएमसीआर मॉडल आपको याद रखना है हमेशा एस स्टैंड फॉर सोर्स एम फॉर मैसेज चैनल एंड रिसीवर ठीक है ना तो ये होते हैं भाई सोर्स के पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए या आप जानते हो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ. मैसेज में ये सारी चीजें होनी जरूरी है चैनल के अंदर भैया हियरिंग अच्छी से सुन पाए बंदा सींग टचिंग स्मेलिंग टेस्टिंग ये सारी की सारी चीजें जो है वो चैनल में आ जाती हैं. और रिसीवर के पास में भी वही सारी चीजें होनी चाहिए और इनका जो कल्चर है वो सेम होना चाहिए ये हाई कॉन्टेक्स तो ये भी हाई कॉन्टेक्स ये लो कॉन्टेक्स ये भी लो कॉन्टेक्स दोनों का कॉन्टेक्ट में अगर डिफरेंस होगा तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा बरलो जी अपने घर चले जाएंगे बरलो जी चरलो जी हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन वॉचिंग टीवी ये किसका एग्जाम्पल है ये बर्लो का एसएमसीआर का मॉडल का एग्जाम्पल है अच्छा बर्लो मॉडल मैंने किस में बताया था जल्दी बताओ बर्लो मॉडल मैंने किस में बताया था लीनियर में बताया था इंटर में बताया था ट्रांसक्शन में बताया था किस में बताया था जल्दी से बताओ मॉडल मैंने लीनियर में बताया था <coughs> देख सकते हो आप लीनियर नॉइज तो है फीडबैक नहीं है आप जैसे ये टेलीविजन देख रहे हैं ये जानते हो ना आप ये बहुत पुराना कार्टून था हमारा फिलिंग स्टोन करके फ्रेडी द दिलिंग स्टोन आई थिंक इसका नाम था टीवी देख रहे हैं ये जो स्टोन एज पर पेज था वो कार्टून है ये ठीक है कहीं मुझे दिख गया आज तो मैंने लगा दिया टीवी देख रहे हैं अंकल जी बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कुछ तो ऐसा देख रहे हैं जिसको देख के गुस्सा आ रहा है देखो इनके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है गुस्सा आ रहा है दोनों को पर ये कुछ कर नहीं सकते क्यों फीडबैक दे नहीं सकते बस देख रहे हैं टीवी ठीक है तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैम फीडबैक तो था ही नहीं ठीक है ना फिर वही बात नॉइज के बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है लीनियर मॉडल है टू वे कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो वन वे कम्युनिकेशन के अंदर हमें कैसे समझ में आएगा कि सामने वाले बंदे को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कम्युनिकेशन के समय तो बर्लो की ये प्रॉब्लम थी कि दूर किसने करी ये दूर करी शैनन वीवर ने ठीक है न शैनन वीवर जो है ना इनका एक ऐसा मॉडल माना जाता है देखो जब ये शुरू हुआ था मैं आपको बताऊं जब ये शुरू हुआ था तो लीनियर ही था फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें सिग्नल के अकॉर्डिंग मतलब ये वर्बल के साथ नॉन वर्बलनेस को लेके आए वीवर ही थे जो नॉन वर्बल पे ज्यादा बिलीव करते थे सिंबल्स में सिग्नल्स में इनको ऐसा लगता है कि बात करना तो जरूरी है पर कहा बात कर रहे हो वो भी मैटर करता है फील्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और इनको ऐसा लगा कि भैया आस पास की जो विसिनिटी है ना वो भी मैटर करती है बात समझाने में जिसमें फीडबैक भी अपने आप आ जाता है जब आप एक होता है ना कि जब मीटिंग करनी होती है तो हम एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे थोड़ी शांति हो है ना हम बैठ के बात कर सकते हैं एक माहौल बना हो आपकी स्टडी टेबल पर जितना अच्छा पढ़ने का माहौल बना, बना होगा राइट उतना अच्छा आपको मन करेगा पढ़ने का लाइब्रेरी में जगह पढ़ने का मन करता है ना डिस्को में जाके तो पढ़ने का मन नहीं करता है तो वो सारी चीजें जो थी वो जो एक फीडबैक मिलने लगा एनवायरमेंट से वो सारी चीजें हैं जो शैनन वीवर के मॉडल में आई तो सिग्नल से रिलेटेड कौन है शैनन वीवर कीवर्ड क्या है इसका सिग्नल ठीक है जी तो भाई क्रिटिसिज्म अगर इसका भी करना चाहें तो सबसे पहली बात जैसे कि आप देख सकते हो ये है मिस्टर पपलू जी और ये है मिस्टर चपलू जी मिस्टर पपलू जी एंड मिस्टर चपलू जी इज बिजी विद ईच अदर ओनली इनको किसी से मतलब ही नहीं है बात वही है ये जो आपका कम्युनिकेशन है ये इंटरपर्सनल में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है बट ग्रुप में नहीं अच्छे से काम कर रहा मास में अच्छे से काम नहीं कर रहा क्यों वहां पर मैं एनवायरमेंट का फर्क तो पड़ता है बट भाई सौ लोग सौ माइंड्स अलग अलग सब सोच रहे हैं अब फील्ड का एक्सपीरियंस के आप पर कैसे फीडबैक निकालें या कैसे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल माने तो ये इंटरपर्सनल तक तो ठीक है बट मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन में ठीक नहीं है ठीक है कोई प्रॉब्लम पर किसी को किसी को कोई दिक्कत चल गुड तो यहाँ पर बात की जाए तो जो आप लोगों का रिसीवर है वो अगेन पैसिव पार्ट प्ले कर रहा है क्योंकि देखो प्राइमरी रोल तो यहाँ पर भी सेंडर का है उसके एनवायरमेंट का है ठीक है ना ये जो मॉडल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेचर ह्यूमन कम्युनिकेशन के जो मिस इंटरप्रिटेशन है ना उससे रिलेटेड ये हो जाता है और ये इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि मैथमेटिकल इन नेचर नहीं है मैथमेटिकल इन नेचर का मतलब ये है प्रूफ्स एंड लॉजिक्स के भी आप पे नहीं चलता है और वो मॉडल कौन था जो प्रूव एंड लॉजिक्स के भी हाँ पे चलता था मैथमेटिकल मॉडल जिसको हम लोग बोलते थे अब बर्लो के बाद में सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल है आपका क्वांटिटेटिव मॉडल का मॉडल 1954 के अंदर ये मॉडल आया था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल है जब आप उसे अच्छे वर्ड्स में पुट ऑन करें आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी लग रही कोई चीज बट जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे कि मैम क्लास बहुत अच्छी लग रही है तब तक मुझे नहीं पता चलेगा नंबर ऑफ कमेंट से मुझे पता मॉडल तो है वो ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन को जब तक वर्ड्स में नहीं डालोगे फीलिंग्स को इमोशंस को बात को आइडिया को जब तक वर्ड्स में फ्रेम नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है उस इंफॉर्मेशन का ठीक है तो जो स्क्रैम्स का मॉडल है वो किस पर डिपेंडेंट है मैथमेटिक्स पर ठीक है जी क्वांट पर ये कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट ये है ये दोनों पार्टीज को अपने ओपिनियन रखने का मौका देता है ये डायनेमिक है है ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा ये मैं जितना अच्छा कंटेंट बनाऊंगी जितनी मेहनत करूंगी उतने ज्यादा आप कमेंट करोगे उतने ज्यादा आप लोग मुझे बताओगे कि हाँ मैम ये सही है ये अच्छा लग रहा है ये ठीक नहीं था ये ठीक था तो मुझे उतना ज्यादा फीडबैक मिलेगा ठीक है सेंडर एंड रिसीवर जो है ये इंटरचेंज करते हैं इक्वली एक्टिव रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीमेंटिक नॉइज नाम की जो चीज थी वो किसने आई थी स्क्रैम के मॉडल में आई थी ठीक है नहीं पहले एनकोड करोगे फिर मैसेज सेंड होगा <laughs> ठीक है चलिए जी सीमेंटिक नॉइज और सीमेंटिक मतलब क्या होता है आप सब लोग अच्छे से जानते हो सीमेंटिक जो है वो रिलेटेड होता है मतलब से मतलब से रिलेटेड होता है आपका सीमेंटिक बड़ा मतलब वर्ड है ये ठीक है सीमेंटिक इज रिलेटेड टू मतलब यानी कि आप क्या बोलना चाहते हो उसका मतलब निकालना वो यार चीजें जो है सीमेंटिक नॉइज जो है वो यहाँ पर स्क्रैम के मॉडल में आई थी ठीक है ना अब क्योंकि सीमेंटिक नॉइज को हमने इंक्लूड कर लिया तो वो सर क्या एम्बिग्यूटी है ना नॉन कॉन्साइजनेस सिंप्लिसिटी जो भी चाहिए थी हमको सारी चीजें और जो नई चाहिए थी सेवन सीज एंड फोर एस वो हमको कम्युनिकेशन में मिलने लगी ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्क्रैम का जो मॉडल है उसमें फीडबैक भैया बहुत ही अच्छे से मिलता है जो कॉन्सेप्ट है इंटरप्रिटेशन का वो बड़ा अच्छा हो जाता है जो आप लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर बेहतर तरीके से यूज किया गया ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात शैनन बीबर ने शुरू करी थी वो यहाँ पे आके सक्सेसफुली हो गई तो अगर मैं आपसे बोलूँ फील्ड एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना ये सारी चीज़ें किसके मॉडल में मानी जाती है तो स्क्रैम के मॉडल में मानी जाती है ठीक है ना तो आप लोग इसको स्क्राम मॉडल में लिखेंगे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है जी थी? शुरू कहां से हुआ था बट माना किसमें जाता है ये याद रखिएगा में माना जाता है जैसे फॉर रखेगा मुझे एग्जाम्पल देख कर बताइए ठीक है ना यहाँ पर ये जो है ये इनको टॉक टू मी 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 बोले जा रही हैं ठीक है थीके? अब आप इनके आसपास का इन्वायरमेंट देखो इसके एक्सप्रेशंस देखो राइट right? आपको नहीं लग रहा है कि, कि ये पार्टी इंटरेस्टेड है इसे बात करने के अंदर अब ये बिना बोले अपने एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने एक्सप्रेशन से अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बता रहा है कि तू हजार बार भी बोल ले टॉक टू मी बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू यानी कि जो ये सेंडर है इसको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से फीडबैक मिल गया है तो ये थोड़े टाइम ये करेंगे और उसके बाद में टाटा बाय बाय हो जाएगा ठीक है इनका हो जाएगा फिर एक और चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो आप सभी अपने अपने लिए चूज कर लेना आपका फेवरेट कलर का कार्टून का कौन सा है पर आप हो यह हो आप सभी अब जैसे ही टीचर क्लास लीव करता है तो वो जो एक्सपीरियंस बनता है जो माहौल बनता है जो पार्टी शुरू होती है वो भी स्क्रैम्स मॉडल में क्वांटिटेटिव मॉडल में मैं ले सकती हूँ तो मुझे यानी कि टीचर को पता चल गया है कि बच्चा मेरे जाने से कितना दुखी है देखो कितना कम नाच रहा है तो सभी को समझ में आ गया ना कि फील्ड एक्सपीरियंस की मैं कौन सी बात कर रही हूं और क्या यहां पर या ये GIFQ लगाया है होपफुली आपको याद रहेगा ठीक है फिर नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं जो नेक्स्ट मॉडल है वो कौन सा मॉडल था हेलिकल मॉडल था देखो हेलिकल मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको याद रखना है जो बर्थ से शुरू होता है और डेथ पे जाके खत्म होता है ये जो टाइप ऑफ सर्कुलर कम्युनिकेशन है इसे हम हेलिकल मॉडल बोलते हैं तो हेलिकल मॉडल जो था वो फ्रैंक डेंस ने बनाया था 1967 के अंदर इन्होंने ये प्रपोज किया था जिसके अंदर हम लोग को कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे घूमते 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 चलता है बेसिकली ऑल अराउंड कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है कीवर्ड इसका इंपॉर्टेंट यह है आपको ये याद रखना है कि बर्थ से लेकर जो हमारे डेथ तक कम्युनिकेशन हो रहा है वो जो कम्युनिकेशन है वो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है इनडायरेक्ट भी इसको आप लोग बोल सकते हो ठीक है जी इनडायरेक्ट अपब्रिंगिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ठीक है जी इसके अलावा और भी मॉडल्स थे जैसे कि बेस्ले और मैकलिन के भी एक मॉडल था देखो इनका जो कम्युनिकेशन है उसके अराउंड ये बोलते हैं जैसे देखो स्क्रैम्स का जो मॉडल था ना ये जो एक्सटर्नल यू नो फील्ड एक्सपीरियंस वाली इन्होंने बात बोली थी इसको बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड प्लेस किया बहुत सारे नई नई चीज़ें पब्लिश करी इसके अंदर और वही बाकी सारे मॉडल्स हैं तो मास मीडिया हम लोग ये जानते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ते हैं तो एक होता है मास कम्युनिकेशन हम सबने पढ़ा है मास कम्युनिकेशन होता क्या है जब आप कम्युनिकेट कोई जो सेंडर है वो लार्ज ऑडियंस से कम्युनिकेट करता है लार्ज भी है लार्ज तो है ही हमारे ऑडियंस साथ ही साथ एनोनिमस है एनोनिमस मतलब होता है कि हमको उनके बारे में पता ही नहीं है कौन है जैसे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भाषण देते हैं और ऑब्वियसली जब वो चैनल पे आता है और सबको पता चलता है पूरी इंडिया की जनता के आजकल तो इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करते हैं उसको तो ये क्या हो गया मास कम्युनिकेशन ओके सो मास मीडिया इज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया यूज इन कम्युनिकेशन टू लार्जर ऑडियंसेस मास मीडिया इज एसेंशियल इन पासिंग इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट्स अ लार्ज ऑडियंस ये तो हमने पढ़ ही लिया ठीक है ये समझ में आ गया तुम लोगों को अगर हम देखें कि वॉट आर द मास मीडिया तो मास मीडिया के कौन कौन हुए जैसे न्यूज हुआ रेडियो हुआ रेडियो इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया देखो मास मीडिया मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया की जरूरत है जो मीडियम की जरूरत है मीडिया मतलब ये भी बोल सकते हैं कोई मीडियम की जरूरत है ना सब तरफ सब लोगों को फैलाने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज मास मीडिया तो न्यूज है न्यूज चैनल्स है न्यूज पेपर है रेडियो है टेलीविजन है है ना उसके बाद हमारे इंटरनेट है सबसे बड़ा तो इंटरनेट ही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हेल्प कर रहा है आपको सो so ये सारे क्या है मास मीडिया है एग्जाम्पल है मास मीडिया के अब हम हाँ पढ़ते हैं कि मास मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है अलग अलग कैटेगरी में मास मीडिया को डिवाइड कर दिया गया है सो so ध्यान से देखेंगे अगर देखा जाए तो मेजरली सिक्स टाइप्स के होते हैं मास मीडिया सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल मीडिया ठीक है उनको सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है तो सबसे पहली कैटेगरी बोलो या सबसे पहला टाइप बोलो ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि पारंपरिक मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया जैसे आप सबको आप सब जानते हो पहले पहले जमाने में नुक्कड़ नाटिका होती थी है ना नुक्कड़ नाटिका यानी कि जो रोल प्ले करते थे लोग और ये अपने स्टेज पे लोग कई सोशल मैसेज पहुंचाने के लिए छोटा सा ग्रुप बना के कुछ नाटक जैसा करते थे तो वो क्या था दैट इज ऑल्सो मास मीडिया ओके एंड दैट इज ट्रेडिशनल मीडिया या फिर ड्रामा कर रहे हैं या फिर कोई पेंटिंग बना लेते थे है ना या फिर गाना गा के आपने देखा है ना गली गली में गाना गाते हुए निकलते हैं किसी को सोशल मैसेज देना होता है तो गाना गा के निकलते हैं तो वो सब क्या है ट्रेडिशनल मीडिया ओके फिर दूसरा आता है सेकेंड टाइप होता है प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया मतलब आप जानते हो जैसे मैगजीन्स है न्यूज है ब्रॉशर है ये सारे क्या है प्रिंट मीडिया जहां पे प्रिंटिंग मशीन या लिखा हुआ टेक्स्ट में रहेगा आपको जो भी मैसेज रहेगा वो किस फॉर्म में होगा रिटर्न और टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा रिटर्न फॉर्म में ओके okay? और प्रिंटेड जैसा रहेगा तो वो प्रिंट मीडिया कहलाता है ठीक है उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता है इलेक्ट्रॉनिक मतलब सारे के सारे जो जो भी आईसीटी में आते हैं टेलीविजन है रेडियो है फिल्म है मोशन पिक्चर्स है, बोलते हैं उसको कोई सोशल मैसेज सोशल मैसेज देने वाले शॉर्ट फिल्म्स होते हैं तो ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कहलाते हैं इसमें कम्युनिकेशन जो है या तो ऑडियो होगा या तो विजुअल होगा या ऑडियो विजुअल दोनों होगा ठीक है अगर ऑडियो देखें तो रेडियोज हो गए पॉडकास्ट हो गए विजुअल हुआ तो टेलीविजन हो गया या फिर ऑडियो विजुअल है अगर अच्छा विजुअल में सिर्फ टेलीविजन नहीं विजुअल में तो ऑडियो विजुअल में आता है टेलीविजन ऑडियो विजुअल में फिल्म आता है अगर विजुअल बोले सिर्फ विजुअल तो आपको पता है पहले जमाने में ना कुछ मोशन पिक्चर्स चलते थे बहुत पहले जमाने में जब ऑडियो उतना नहीं होता था सिर्फ मूक वाले होते थे ना जिसमें आवाज नहीं होती थी है ना वो मूवीज चलते थे तो वो भी एक तरह से मीडिया का ही काम करते थे ठीक है फिर फोर्थ टाइप में आता है आउटडोर मीडिया अब ये थोड़ा सा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है जैसे जैसे हम लोग हमारे सोचने का ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं हम लोग वैसे वैसे मीडिया में भी बहुत कुछ नया होता आया है तो ये आउटडोर मीडिया क्या है इसी को आउट ऑफ होम एडवरटाइजिंग भी बोलते हैं याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आउट ऑफ होम एडवरटाइजिंग मतलब होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं और तब आपको जो भी चीजें दिखती हैं रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू एनी इंफॉर्मेशन जैसे आप बाहर से घर से बाहर निकले तो आपको बिलबोर्ड दिखा किसी कंपनी का बिलबोर्ड दिख गया जैसे स्कूटी का बिलबोर्ड दिख गया एक्टिवा का एक कोई बिलबोर्ड दिख गया आपको या कोई नई ज्वेलरी लॉन्च हो रही है तो उस कंपनी ने पूरा बिलबोर्ड लगा के रखा है तो ये आपने घर से बाहर निकल कर देखा कई बार आपने नोटिस किया होगा ऑटो के पीछे भी पोस्टर्स लगे होते हैं ऑटो जो चलते हैं उसके पीछे भी पोस्टर्स होते हैं या फिर आजकल बसेस में बसेस जो होती हैं उनके वहां पे पूरा लंबा सा एडवर्टाइजिंग आपको बैनर जैसा दिखेगा है ना यूएस में तो बहुत ज्यादा होता है ज्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां होती हैं उसमें पूरा ऐसे बैनर जैसा बना हुआ होता है एडवर्टाइज करने के लिए है ना या फिर आप कई बार देखना आ, पार्किंग में जाओगे जो बड़ी बड़ी पार्किंग होती है जहां जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में पार्किंग होती है जहां बहुत सारी गाड़ियां लगी रहती है वहां पर भी आपको एडवर्टाइजिंग दिखेगा और उस एडवर्टाइजिंग को जानते हो क्या कहते हैं याद रखना कॉम पार्क ये सब कुछ कुछ नॉलेज दे रही हूं वो सब नोट कर लेना कॉम पार्क एडवर्टाइजिंग ये भी यूएस में बहुत ज्यादा फेमस है अब आजकल इंडिया में भी आ गया है यूएस में तो बहुत पहले से है जब बड़े बड़े पार्किंग एरियाज होते हैं ना बड़े मतलब जहां पे हजारों गाड़ियां पार्क की जाती है ऐसे बड़े जगह होते हैं वहां पे क्या होता है बीच बीच में एडवर्टाइजिंग लगा देंगे वो लोग आप आ रहे हो पार्किंग करने के लिए तो आपने किसी चीज का एडवर्टाइज देख लिया तो इसको कहते हैं कॉम पार्क एडवर्टाइजिंग ओके सो so, ये क्या है आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग में आता है यानी कि आउटडोर मीडिया बाहर गए पोस्टर आपने देखा बिलबोर्ड देख लिया या किसी ऑटो में देख लिया किसी बस में देख लिया इवन बस स्टैंड पे आपने देखा होगा आजकल जो मेट्रो मेट्रोपोलिशन सिटीज है जैसे बैंगलोर है मुंबई है और बड़े बड़े सिटीज में आजकल बस स्टैंड जो अच्छे से बने होते हैं वहां पर भी आपको पोस्टर्स दिख जाएंगे एडवर्टाइजिंग के सो दिस ऑल विल कम अंडर आउटडोर मीडिया ओके आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग याद रखिएगा उसके बाद जो है फिफ्थ टाइप का मीडिया होता है वो है ट्रांजिट मीडिया ट्रांजिट मीडिया मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट करते करते आपको आ, कम्युनिकेशन किया जा रहा है इसमें आप वो बस एडवर्टाइजिंग इंक्लूड कर सकते हो ठीक है जहां पे मूवमेंट चल रहा है बस चल रही है और एडवर्टाइज भी हो रहा है तो इसमें क्या होता है जैसे ना गाँव गांव में या गांव में अच्छा छोटे छोटे शहरों में होता है वो रिक्शा रिक्शा में जाते रहते हैं और बोलते रहते हैं दे सुनिए 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 इस पार्टी को जरूर वोट दें अपना अंगूठा लगाएं इस पार्टी पे ये हमारे उम्मीदवार हैं ऐसे बोलते हुए जाते हैं या फिर देखना पोलियो का टीका अगर देना होता है पोलियो का टीका गांवों में तो आएंगे आपके साथ वो पूरा अनाउंस करते हुए निकलेंगे अः रिक्शा में है ना देखा होगा आप लोगों ने हाँ हाँ वो अक्षता जो रोड होता है ना वही नुक्कड़ नाटिका बोलते हैं उसको हिंदी में वो ट्रेडिशनल मीडिया हो जाएगा क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था ठीक है वो ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाएगा तो ये जो वो एडवर्टाइजिंग जो चलते चलते की जा रही है ना ये सारी ट्रांजिट मीडिया कहलाती है ट्रांजिट मतलब मूवमेंट करते करते जो है आ, मीडिया के हेल्प से मास मीडिया के हेल्प से आपको कम्युनिकेशन किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन हो जाता है उसमें ठीक है ट्रेन स्टेशन में एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे रहते हैं आजकल कई ट्रेन मेट्रो ट्रेन होते हैं ना उस उसपे भी अच्छा सा एकदम बढ़िया सा एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा दिया जाता है देखना आप अगर कोई दिल्ली का होगा तो उन्होंने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में भी लगा रहता है आप अंदर जाओ तो आपको एडवर्टाइजिंग दिख जाएगा ना किसी ना किसी किसी चीज का अगर कोई दिल्ली का यहाँ बैठा होगा तो मेट्रो ट्रेन में भी रहता है है ना यस yes. इलेक्शन के टाइम पे प्रचार होता है यस yes. तो ये क्या है ट्रांसिट मीडिया याद रखिएगा अब आते हैं सिक्स टाइप का जो है वो डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ जाएगा तो जितने भी डिजिटल मीडिया है यानी कि सोशल मीडिया हो गया एस एन साइट्स हो गए ईमेल्स हो गए वेबसाइट्स हो गए ये जितने भी हैं वो सब किस में आएगा डिजिटल मीडिया में आएगा जहां पे इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक है याद रखिएगा डिजिटल मीडिया मतलब क्या हुआ जहां पे कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट रखना ठीक है अगर सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है डायरेक्ट टू होम वाला तो वो आपका जो पुराना हमारा जो हमारा मीडिया था ये वाला इसमें आ जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आ जाएगा वो ठीक है लेकिन डिजिटल मीडिया अगर बोल दिया जाए ना तो याद रखेगा डिजिटल मीडिया मीन्स वहां पर इंटरनेट का यूज हो रहा है ये एक बहुत माइनासा डिफरेंस है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आजकल तो आपको भी पता है ना जैसे मेरे यहां भी लगा हुआ है जियो फाइबर लगा हुआ है ठीक है अब जियो फाइबर से ना उस वाईफाई से मेरा टेलीविजन भी चलता है समझ रहे हो आजकल डीटीएच वाला सिस्टम कई जगह खत्म हो गया है लोग वाईफाई लेते हैं वाईफाई कनेक्शन लेते हैं और उसी से टेलीविजन भी चलता है उनका तो वो क्या हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन बन गया वो. अब वो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सैटेलाइट से नहीं ले रहा है कम्युनिकेट uh, मतलब जो सैटेलाइट के थ्रू नहीं चल रहा है वो वो समझो इंटरनेट के थ्रू चल रहा है डिजिटली चल रहा है ओके सो इसीलिए इसको ये बोला गया है बाकी आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ मीडिया जो है समझ में आ गया होगा इसमें कोई डाउट नहीं है ओके यस आशीष बोल रहा है रोड शो यस वेरी गुड चलिए अब आते हैं फंक्शन ऑफ मास मीडिया अब मास मीडिया के फंक्शन क्या है अगर मास मीडिया के फंक्शन देखें तो आ, इसके फंक्शन जो है वो ब्रॉडली देखो अब आप अब, 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 जब सर्च करने जाओगे ना तो आपको अलग अलग तरीके के दिखेंगे कोई किसी आ, वेबसाइट में आपको कुछ और नाम से फंक्शन दिखेगा किसी वेबसाइट में आपको कुछ और नाम से फंक्शन दिखेगा पर अगर देखा जाए तो वो सारे वर्ड्स जो है ना इसी फंक्शन जो ये आपको पांच फंक्शन दिख रहे हैं इसके चारों तरफ ही घूमता है ठीक है सो हमने ब्रॉडली इसको क्लासिफाई कर दिया है अगर सबसे पहला फंक्शन देखें तो इंफॉर्मेशन फंक्शन है हम जब मास मीडिया देखते हैं या फिर आप न्यूज पेपर पढ़ते हो या फिर न्यूज चैनल्स देखते हो सिर्फ न्यूज चैनल्स ही नहीं इवन आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखते हो जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है जैसे कि देखो स्वयं प्रभा है स्वयं प्रभा का तो हम आ, उसको इंस्ट्रक्टिव फंक्शन में ले सकते हैं क्योंकि स्वयं प्रभाव के चैनल्स में जो पढ़ाया जाता है वो हम पढ़ने के लिए समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जैसे कि न्यूज आपको मिल रहा है कि इस पार्टी ने क्या किया उस पार्टी ने क्या किया यहां पे कौन सी दुर्घटना हो गई और रेडियो में आपको कई न्यूज मिलते हैं तो वो क्या है मीडिया का कौन सा फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन देना अगर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है और ये जानकारी मिलने से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ भाई हम इस दुनिया में जी रहे हैं इसी दुनिया में है एलियन वर्ल्ड में नहीं है है ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है है ना अभी अभी जैसे फिलहाल हम जब नेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे खबर ही नहीं थी कि भैया क्या हो रहा है दुनिया में है ना कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता था कि देखो यार ऐसा हो गया वैसा हो गया वॉट जो भी मेन मेन घटना घटी है तो फिर मुझे होता था अच्छा ऐसा हुआ क्या तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं एलियन वर्ल्ड में हूं क्या मुझे तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है है ठीक तो अब आपको जब ये फील नहीं करना है तो आप क्या करते हो मास मीडिया का हेल्प लेते हो और दैट फंक्शन ऑफ द मास मीडिया इज इंफॉर्मेशन फंक्शन ठीक है दूसरा फंक्शन होता है मास मीडिया का इंटरप्रिटेशन फंक्शन यानी कि देखो आजकल आपने देखा है न्यूज चैनल्स में भी आपको मैसेज ऐसे ही पास ऑन नहीं किया जाता है जैसे कि एक खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के जो प्रधानमंत्री आए उनका स्वागत किया ठीक है ये एक सिंपल सी खबर है जो पहले डीडी न्यूज में है चलता था एक ऐसे हेडलाइन आता था लेकिन आजकल तुम देखो कि न्यूज चैनल वाले इसी एक सिंपल मैसेज का इतने सारे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे ना कि हो सकता है मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो जापान से देखिए इन्होंने इन्होंने हाथ बढ़ाया तो चाइना के लोग जो है चाइना के जो है हमारे वो मुंह फुला के बैठ गए हैं पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है सो so वॉट तो वो क्या कर रहे हैं एक मैसेज के इतने सारे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि देखो ये है ये है ये है सो so, इसका एक फंक्शन इंटरप्रिटेशन होता है मतलब यानी कि दूसरा फंक्शन होता है किसी भी एक सिंपल मैसेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है लेकिन यहां पे लिखा है कि कोशिश की जाती है कि एथिकल वेज में किया जाए नॉन एथिकल वेज ना अपनाया जाए यानी कि कोई गलत खबर ना चलाया जाए या किसी का अपमान ना किया जाए है ना सो so, ये सारी चीजें को ध्यान रखा जाता है फिर तीसरा है बॉन्डिंग फंक्शन बॉन्डिंग फंक्शन मतलब ये है अच्छा देखो हिंदी वाले ने ना घबरा नहीं हिंदी में भी यहां लिखा हुआ है सूचना कार्य हमने पढ़ लिया व्याख्या कार्य पढ़ लिया इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या कार्य अब यहाँ पे बॉन्डिंग को लिखा है इन्होंने बंधन कार्य मुझे नहीं पता बंधन क्यों लिखा है ऐसे बंधन नहीं होना चाहिए बॉन्डिंग मतलब ये है कि देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है जैसे नाइन बाई इलेवन हुआ था है ना Uh, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था एग्जाम्पल जो इसमें दिया या हमारे इंडिया में भी आपको पता है पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वो ताज होटल में जो अटैक हुआ था इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था तो जब ऐसी कोई न्यूज चलती है तो आपको भी पता है कि जो हम जो इंडियंस है ना बहुत भावुक हो जाते हैं है ना तो सारे के सारे कम्युनिटी वाले एक साथ बैठ के देखेंगे नाइन बाई तो यूएस के लिए बहुत बड़ी घटना थी है ना आज तक वो लोग भूल नहीं पाए हैं उसको तो जब ऐसी कोई कवरेज चलती है या फिर जैसे देखो अभी तुर्की में जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तो जब वो अर्थक्वेक का न्यूज हम देखते हैं है ना तो हमको क्या है ना एक 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 कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है सबको एक साथ मिलकर देखेंगे बॉन्डिंग आ जाता है अगर मान लो थोड़ी दुश्मनी भी होगी ना और कोई ऐसी न्यूज देख लेंगे तो हमको क्या होगा कि नहीं यार हम सब देखो यार ये इंसान की तो क्या कीमत है एक चुटकी में सब खत्म हो जाते हैं ऐसे वाली फीलिंग के साथ हम लोग सब बॉन्डिंग करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ इवन ऑनलाइन फोरम्स में भी आपने देखा होगा जो ऑनलाइन फोरम्स होते हैं वहां पर डिस्कशन करेंगे हम सोशल मीडिया में एक हो जाते हैं कुछ भी ऐसी बुरी घटना घटती है हमारे भारत देश में तो आप देखो सोशल मीडिया में सारे ट्विटर में एक एक हो जाएंगे मोमबत्ती यात्रा शुरू हो जाएगी है ना तो ये क्या है ये मास मीडिया का ही तो फंक्शन है बॉन्डिंग फंक्शन कि लोगों के बीच में जो है बॉन्डिंग ले आता है वो और जो लोग कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं वो सब एक हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये है बॉन्डिंग फंक्शन ठीक है तीसरा फोर्थ फंक्शन है इसका डाइवर्जन फंक्शन डाइवर्जन फंक्शन मतलब जैसे देखो हमारी अपनी लाइफ में बहुत टेंशन है। है, टेंशन है। है है। एग्जाम आ रहा कितना अब आपको जो है एग्जाम के टेंशन से दूर जाना है जैसे नेट के तो आप क्या करते हो क्या करते हो सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते है ना उसमें अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं कच्चा बादाम और पता नहीं कौन कौन से है ना तो वो शॉर्ट्स देखने में मजा है सिर्फ शॉर्ट्स तो देखते हो उसको मास मीडिया में कवर मत करो लेकिन फिर भी वो मास मीडिया का हिस्सा ही है अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखते हो अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोज देखते हो आप है ना तो उसमें क्या होता है आपका जो टेंशन है यूजीसी नेट के एग्जाम का वहां से आपको रिलीफ मिलता है कई लोग टीवी देखना पसंद करते हैं तो टीवी में देख लेते हैं मूवीज देख लेते हैं तो ये सब क्या है फंक्शन ही है ना मास मीडिया का डाइवर्जन फंक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट करने का काम सिर्फ एग्जाम से एग्जाम की टेंशन से हटने का नहीं है एग्जाम जो बेचारा बच्चा कर रहा है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करता है ये बार बार मोबाइल की तरफ आपकी नजर जाएगी पता चला मोबाइल आपने खोला कि रश्ना मैम की क्लास देखते हैं यूट्यूब पे और पता चला रक्षा मैम की क्लास ढूंढते ढूंढते पता नहीं कौन से यूट्यूब चैनल में आप घुस जाओ है ना तो ये क्या है दिस इज डि डाइवर्जन फंक्शन ठीक है तो डाइवर्जन आपका होता है उसके बाद का जो फंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्टिव फंक्शन और एक माइनर सा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन फंक्शन और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन में इंफॉर्मेशन में सिर्फ मीडिया आपको इंफॉर्म करता है बताता है इंफॉर्मेशन देता है लेकिन इंस्ट्रक्टिव फंक्शन का काम क्या है वो आपको इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको टीच करता है, है ना टीचिंग करने का काम करता है जैसे आपने डिस्कवरी चैनल देखा बच्चों को जब आप डिस्कवरी चैनल दिखाते हैं या अभी भी हम लोग भी डिस्कवरी चैनल देखते हैं या ज्योग्राफी नेशनल जोग्राफिक चैनल होता है बहुत बढ़िया बढ़िया हिस्ट्री चैनल है जो लोग हिस्ट्री के बच्चे उनके तो खासकर बोलती हूँ हिस्ट्री चैनल जरूर देखना इतनी अच्छी उसमें नॉलेज मिलता है मैंने एक बार इजिप्ट के बारे में देखा था पिरामिड्स के बारे में देखा था तो वो सब क्या है दिस इज द फंक्शन इंस्ट्रक्टिव फंक्शन ओके सो ये पांच फंक्शन को याद रखिएगा इंफॉर्मेशन फंक्शन इंटरप्रिटेशन बॉन्डिंग डाइवर्जन और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन ठीक है ये समझ में आ गया फंक्शन ऑफ मास मीडिया इसमें कोई डाउट बहुत इजी था